वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज के सेशन में सी सी आई के सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सेशन को स्टार्ट करने से पहले इफ यू नॉट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द दूट्यूब चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकॉन ही प्रेस कर लेना और टेलीग्राम चैनल को भी चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो यू कैन ऑलसो मैसेज में डायरेक्टली एट ए डी आई टी वाई ए के टी माई ने मजाजी कुमार तवारी स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड बिफोर स्टार्टिंग वन और टू थिंग्स जो कि डिस्कस करना जरूरी है दैट इज क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहा है इस साल ट 2024 में रीडिंग कॉम्पिनेशन पे इंग्लिश रीडिंग कॉम्पिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन थे ट्वेंटी सेवन एंड रिमेनिंग क्वेश्चन फॉर क्वांट क्वान्टी मैथ और लॉजिकल रीजनिंग पे और डेटा सफिशंसी मिला के भी टोटल फिफ्टी थ्री क्वेश्चन थे जिनमें से कि डेटा सफिशियंसी पे इस बार क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया है लास्ट ईयर जैसे सिक्स क्वेश्चन आए थे इस बार ट्वेल्व क्वेश्चन फर देयर फ्रॉम डेटा सफिशियंसी ऑनली वन के कुछ क्वेश्चन लास्ट ईयर के कम्पैरिजन में रिलेटिवली ईजियर थे और इनके क्वेश्चन डेफिनेटली डिफिकल्ट होते हैं बस आते हैं तो सोल्यूशन देखते हैं और समझते हैं हरे क्वेश्चन में क्या डिफिकल्टी लेवल था कैसे अप्रोच करना था क्वेश्चन को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना था कौन से क्वेश्चन ईजी हैं और कौन से क्वेश्चन मुश्किल है और ईजी क्वेश्चन को आइडेंटाई लिया होगा तो अल्टीमेटली हमें ट्वेंटी सेवन नेट करेक्ट थी तो करने दें इतना हो गया तो काम खत्म हो गया अपना और तो कोई टेंशन नहीं था ठीक है चलो फर्स्ट क्वेश्चन इज इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू कट अब इन टू सिक्सटी फोर आइडेंटिकल पीसेस अब फॉर एग्जाम्पल हमें अगर एक कोई पीस हमने लिया एक कोई आइटम लिया और अगर हमें दो पीसेज में कट करना है तो हम क्या करेंगे एक बार कट करेंगे और एक बार कट करते ये दो पीसेज में कन्वर्ट हो जाएगा अगर हम इसको एक बार फिर से कट कर दें ठीक है तो तीन पीसेज हो जाएंगे तीन पीसेज हो जाएंगे हाँ कोई ये भी कह सकता है कि अगर एक बार ये जो अगला कट हम कर रहे हैं वो अगला कट हम पेंडिकुलर करें तो चार पीसेज हो जाएंगे बिल्कुल सही बात है ठीक है यह भी बात सही है बट जनरली ये समझने वाली बात है लेकिन हम दोनों कट सेम डायरेक्शन में कर रहे हैं ठीक है यानी दोनों पैरल हैं एक दूसरे के कट्स तो इफेक्टिवली हमारा थ्री पीसेज में कन्वर्ट हो जाएगा अगर टू कट्स हैं तो या इसी बात को जनरलाइज करें तो अगर एन कट्स होंगे एन माइनस वन पीसेज में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है एक बेसिक ये जिस्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्वेश्चन हमारा कह रहा है टोटल सिक्सटी फोर पीसेज में हमें कन्वर्ट करना है 64 में कन्वर्ट करना है है क्या होता दैट इज़ का होल क्यूब और क्यूब को हम कट कर रहे हैं ठीक है तो सबसे पहले क्यूब ड्रॉ करते हैं क्योंकि तो क्यूब में थ्री डायमेंशन होती हैं तो हर एक डायमेंशन में बेसिकली हमको फोर पीसेज बनाने पड़ेंगे तब तो फोर क्यूब बनेंगे यानी कि थ्री कट्स करने पड़ेंगे हर एक डायमेंशन में ठीक है स्टेट अब अगर किसी बात समझ पाओ तो आंसर नाइन है पर कैसे बनेगा अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो पहले समझ लेते हैं लडस से सबसे पहले हमने एक कट ये किया दो पीसेस हो गया ऑलरेडी एक और कट किया और फिर एक और कट किया टोटल फोर पीसेज ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी तक हमने थ्री कट्स किए हैं ठीक है अब थ्री और कट्स करते हैं दिस इज द फर्स्ट कट सेकेंड कट एंड थर्ड कट तो थ्री कट्स और हमने कर लिया वर्टिकली कट किए पहले हॉरिजॉन्टली किए फिर वर्टिकली किए ठीक है और लेटरल कट्स कर देते हैं सो तो फिर और कट्स में हमारा टोटल ट्वेंटी फोर पीसेस बन जाएंगे फर्स्ट कट सेकंड कट एंड थर्ड कट टोटल कट्स हो गए हमारे सिक्सटी फोर टोटल कट्स हो गए आई मीन कट्स तो नाइन हुए बट टोटल पीसेज हो गए सिक्सटी फोर क्या बात समझ में आई तो स्टेट अब हम क्या कर सकते थे कि एन माइनस वन का होल क्यों अगर हमारे पास क्यूब है तो -1 का होल क्यूब यानी या, या, क्या कर रहा हूं मैं फोर क्यूब है तो हमारे नंबर ऑफ कट्स होंगे एन माइनस वन इंटू थ्री तो क्योंकि थ्री साइड्स को हमें कट करना है ठीक है तो -1 into 3 और 4 है, क्योंकि क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन इन द एक्सप्रेशन फाइव इंटू फोर फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन ठीक है सो so ये जो साइन है दिस इज शोजन फ्रॉम प्लस माइनस मल्टीफिकेशन ईच एट मोस्ट टू टाइम्स टॉट इज द स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन अब इस क्वेश्चन में हिट एंड ट्रायल करना था बट कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तुम्हारे सामने आता है तो तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए हमें निकालना क्या स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव वैल्यू सबसे छोटी नॉन नेगेटिव वैल्यू निकालनी है तो नॉन नेगेटिव है यानी कि नेगेटिव नहीं होगा जीरो हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी मिनिमम तब होगा जबकि जीरो होगा तो हमें कोशिश ये करना है कि हम इसको जीरो बनाए किसी तरह से किसी तरह से अगर हम इसको जीरो बना देंगे तो हमारा काम हो जाएगा ठीक है फाइव फोर थ्री टू वन का सम क्या आता है आता है फिफ्टीन यानी कि दो एक्जैक्टली इक्वल पार्ट्स में ऐसे तो नहीं ब्रेक कर सकते कहीं कही ना कहीं हमें मल्टीप्लीकेशन लगाना पड़ेगा प्लस माइनस से सिर्फ काम नहीं चलेगा प्लस माइनस से जीरो नहीं बनेगा तो बिकॉज फिफ्टीन को दो पार्ट में ब्रेक करोगे सबसे क्लोजेस्ट पार्ट भी आएंगे तो सेवन और एट आएंगे सेवन और एट आएंगे तो सिर्फ प्लस माइनस से काम नहीं चलेगा हमें कहीं कही ना कहीं मल्टीप्लिकेशन भी लगाना पड़ेगा ठीक है ओके देखते हैं करते हैं कुछ जुगाड़ तो फाइव में से अगर हम फोर सप्ट्रैक कर दें और थ्री और सप्ट्रैक कर दें तो फाइव माइनस सेवन माइनस टू आ गया और फिर प्लस कर दें टू तो जीरो हो गया बट लास्ट में भी तो एक साइन लगाना है तो लास्ट में अगर हम वन लगा देंगे तो दिस विल बी टू तो फाइव माइनस सेवन प्लस टू इक्वल टू जीरो जीरो आंसर आ जाएगा क्या है बात है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हिट एंड ट्रायल ही करना पड़ेगा और भी ऑप्शन देखने पड़ेंगे ठीक है बट हमारा पर्पज क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में कि हम जीरो पे पहुंच पाए अगर जीरो पे पहुंचना पॉसिबल नहीं हो तो फिर वन की कोशिश करेंगे फिर टू के बारे में कोशिश करेंगे हमेशा अप्रोच करेंगे जीरो से बिकॉज नॉन नेगेटिव वैल्यू चाहिए अगर कोई और रेंज दिया होता तो वहां पर जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल होगा वहां से कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अ अ नंबर नंबर ऑफ ऑफ मेन कैन कंप्लीट पीस वर्क इन डेज इज एन बाई वर्सन शुड द नंबर ऑफ मेन बी इंक्रीजड सो दै द वर्क कैन बी कंप्लीटेड इन फाइव के डेज फाइव के डेज में वर्क कंप्लीट हो कितना टाइम कितने परसेंट से नंबर ऑफ मैन शुड भी इंक्रीज तो इनिशियली मान लेते हैं कि एम वन मैन है ठीक है वर्क हमारा क्या हो जाएगा वर्क हो जाएगा एफिशियंसी इंटू टाइम जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा एफिशियंसी होगी टाइम तो हमारा सिक्स के है इनिशियली तो अगर एम वन मैन है और सिक्स के डेज लग रहे हैं तो दिस विल बी वर्क और सेकंड केस में अगर एम टू मैन है डेज लग रहे हैं फाइव के ए से के कैंसिल आउट हो जाएगा तो एम टू बाई एम वन आ जाएगा हमारा सिक्स बाई फाइव यानी कि अगर इनिशियली हमारे पास फाइव मैन है फाइव है तो सिक्स करने पड़ेंगे यानी कि एक मैन बढ़ाना पड़ेगा यानी कि वन बाई फाइव का इंक्रीज़ करना पड़ेगा परसेंटेज में दिस वन बाई फाइव टू हंड्रेड यानी कि ट्वेंटी परसेंट का इंक्रीज़ करना पड़ेगा ऑप्शन सी का आंसर आ जाएगा क्या बात क्लियर है ठीक है दूसरी बात समझने की क्या हो सकती है कि वर्क हमेशा होता है एफिशियं इंटू टाइम ठीक है तो एफिशंसी और टाइम हमारे इनवर्सली प्रपोर्शन होगा अगर वर्क कॉन्स्टेंट है वर्क कॉन्स्ट तो एफियंशन और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा टाइम क्या है हमारा इनिशियली सिक्स के डेज लग रहे हैं के तो एक नेचुरल नंबर है कुछ भी वैल्यू ले सकते हो तो इनिशियली मान लो सिक्स डेज लग रहे हैं सिक्स डेज लग रहे हैं बाद में लग रहे हैं फाइव डेज तो टाइम का रेशो है सिक्स इंटू फाइव का एफिशियंसी तो का रेशो या फिर एफ एफिशियंसी क्या है बेसिकली नंबर ऑफ मैन जितने ज्यादा आदमी उतनी ज्यादा एफिंसी तो नंबर ऑफ मैन का रेशियो ठीक उसका ऑपोजिट आ जाएगा फाइव टू सिक्स यानी कि पहले अगर फाइव मैन थे तो बाद में एक मैन एक्स्ट्रा हो जाएगा और अगर फाइव पे एक एक्स्ट्रा है यानी कि ज्यादा है ऑप्शन सी आंसर है क्लियर ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्स फाइव एंड जेड कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिविजुअली इन सिक्स रिस्पेक्टली तो एक्स फाइव और जेड तीन हमारे क्योंकि सिक्स आवर्स में एट आवर्स में और एट आवर्स में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं ऐसे हर एक केस में हम क्या करेंगे हम सबसे पहले वर्क को एज्यूम कर लेंगे कुछ भी मान लो मान ली हमने ट्वेंटी फोर चीयर्स बना रहे हैं वो सबके सब मिलके

आ, उसके बाद वो दोबारा आ सकता है ठीक है यानी कि यहां पे ये नहीं समझना है कि एक्स के बाद वाई आएगा फिर वाई के बाद जेड आएगा फिर जेड के बाद एक्स आएगा ऐसा कुछ नहीं कहा है ऐसा नहीं करने लग जाना है ऐसा करोगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा ठीक है बेसिकली क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक टाइम पर एक काम कर सकता है और लगातार दो घंटे कोई काम नहीं कर सकता तो यानी कि तुमने पहले एक से काम कराया मान लो पहले तुमसे वाई से काम कराया अब इसके बाद जेड ने काम किया तो वापस से अब वाई काम कर सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं है दिस इज फाइन ठीक है ऑल आर एंगेज टू फिनिश अ वर्क ठीक है ऑल आर एंगेज टू तो फिनिश द वर्क ठीक है सो सबको हमने इंगेज किया है वर्क फिनिश करने के लिए ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है ठीक है वट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम दैट दे विल टेक टू फिनिश द वर्क कितना मिनिमम टाइम लगेगा ताकि हमारा वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाए ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है कि सबको हमने इंगेज किया है वर्क को फिनिश करने के लिए ठीक है तो ये एक जो लाइन है ये एक्चुअली ने फंसाने के लिए है क्यों फसाने के लिए दिए तो अभी हम समझते हैं ठीक है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम क्या होगा मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम तब होगा जबकि हम एक्स से ज्यादा से ज्यादा काम करें क्योंकि एक्स क्या है एक घंटे में चार चेयर बना ले रहे हैं जबकि वाई सिर्फ थ्री चेयर, चेयर बना रहा है और जेड भी सिर्फ थ्री चेयर बना रहा है ठीक है तो हम क्या करेंगे पहले हम एक्स से काम कराएंगे पहले आर में एक्स ने किया फोर फोर चेयर्स बना ली फिर हम वाई से काम करा लिया मान लो टी चेयर्स वाई ने बना ली अब दोबारा फिर से हम एक्स को लगाएंगे क्योंकि अब हम एक्स को वापस से लगा सकते हैं और हमें काम जल्दी से जल्दी फिनिश करना है तो एक्स को लगा दिया फोर चेयर्स फिर से कंप्लीट हो गई अब क्योंकि क्वेश्चन हमसे चाहता है कि सबको इंगेज करें और वाई और जेड का, का काम बराबर है तो अब नेक्स्ट आर में जेड से काम करा लो कोई दिक्कत नहीं है टी चेयर्स बना देगा ठीक है तो बेसिकली समझ गए कि टू आवर्स में सेवन चेयर्स बन रही है हमारी ठीक है एक बार और चाहे अब वाई से काम करो या जेड से काम करो पहले एक्स से कराओगे क्योंकि एक्स से जितना ज़्यादा काम कराओगे उतनी तो जल्दी काम फिनिश होगा तो एक्स ने बना दी फिर और फोर चेयर फिर तुमने वाई से करा लिया थ्री चेयर्स बन गई कितना हो गया सिक्स आवर्स में बन गई है हमारी फोर प्लस थ्री सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन चेयर सिक्स तो आर्स में ट्वेंटी वन यूनिट्स वर्क हमारा कंप्लीट हो गया ट्वेंटी फोर यूनिट्स टोटल वर्क था सिक्स आवर्स में हमारा ट्वेंटी वन यूनिट्स वर्क कंप्लीट हो गया है अब थ्री यूनिट्स वर्क बचा है यानी कि थ्री चेयर्स और हमारी बची हैं तो ये बनाने के लिए हम बुलाएंगे किसको एक्स को बुलाएंगे क्योंकि एक्स वापस आ सकता है एक्स को बुलाया अब इसको थ्री चेयर्स बनानी है एक्स एक घंटे में बनाता है चार लेकिन बनानी है थ्री तो कितना टाइम लगे लगेगा उसको थ्री बाई फोर आवर्स लगेगा कि फोर्टी फाइव मिनट्स लगेंगे और एडिशन सिक्स आवर्स प्लस फोर्टी फाइव मिनट्स आंसर आ जाएगा ऑप्शन ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा क्या ही बात क्लियर है ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी कॉन्जिकेटिव जीरो आर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑफ इन द प्रोडक्ट वन स्क्वार इंटू टू दावर फोर इंटू थ्री टू पार सिक्स इंटू फू टू पार एट टिल ट्वेंटी फाइव टू दर फिफ्टी यानी कि जो भी नंबर है हमारा उसकी पावर टू एन है उसकी डबल पावर है जो नंबर है उसकी पावर उससे डबल होगी पहली चीज तो यह है कॉन्जगेटिव जीरो चाहिए यानी कितने हम जीरो ला पाएंगे और जीरो कैसे बनता है जीरो बनता है जबकि टेन आता है टेन का मल्टीप्लाई होता है और टेन हमारा बनता है टू और फाइव से यानी कि हमें चेक करना है टू की पावर कितनी और फाइव की पावर कितनी है ठीक है टू की पावर कितनी और फाइव की पावर कितनी है और टेन तब बनेगा जब टू और फाइव का पेयर बनेगा तो जितने हमारे पेयर बन पाएंगे टू और फाइव के उतना हमारा टेन की पावर होगी और उतने जीरो आएंगे क्या बात क्लियर है ठीक है तो बस हमें ये देखना है कि टू की और फाइव की पावर्स का कपल बन पा रहा है हमारा कितना पेयर बन पा रहा है सबसे पहले फाइव की पावर देखते हैं फाइव टू तो पावर टेन इंटू टेन टू तो द पावर ट्वेंटी इंटू फिफ्टी टू तो द पावर थर्टी इंटू ट्वेंटी तो पावर फोर्टी इंटू ट्वेंटी फाइव की पावर फिफ्टी अब अगर तुम टेन की पावर ट्वेंटी देखो इसमें ऑलरेडी कितना है ट्वेंटी जीरो आ रहे हैं क्योंकि ये तो टेन की पावर ही है जीरो ट्वेंटी आ जाएंगे ठीक है ट्वेंटी जीरो तो यहीं से आ गए फोर्टी जीरो आएंगे ट्वेंटी की पावर फोर्टी से टोटल सिक्सटी जीरो तो ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो गए तो यानी कि अब जो जीरो आएंगे सिक्सटी से ज्यादा ही आएंगे यानी कि ना तो ऑप्शन ए आंसर है ना तो ऑप्शन बी आंसर है यह बात तो पक्की है बाकी जीरो काउंट कर लेते हैं फाइव की पावर टेन ठीक है फाइव की पावर ये भी हम देख रहे हैं सर ठीक है इतने तो जीरो हो गए मिनिमम अब हम फाइव की पावर के बारे में बात करें तो फाइव की पावर कितनी है टेन है प्लस फिफ्टीन की पावर थर्टी अगेन फाइव की पावर इसमें थर्टी होगा और ट्वेंटी फाइव क्योंकि फाइव का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे फाइव स्क्वायर की पावर फिफ्टी है यानी फाइव टू द पावर हंड्रेड है हंड्रेड है यहां पे ये चीज ध्यान रखनी है ठीक है तो टेन प्लस थर्टी प्लस हंड्रेडी फाइव की, की पावर एडिशनल आ रही है हमें सिक्सटी जीरो तो ऑलरेडी बने बनाए हैं ठीक है पावर एडिशनल आ रही है अब ये पावर फाइव की आ रही है हम टू की पावर भी देखते हैं कितनी हम कपल बना पाएंगे तो टू की पावर मैक्म कितना मिलेगी हमें मैक्म मिलेगी जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है हमारा ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर की पावर फोर्टी एट और ट्वेंटी फोर क्या है एट इंटू थ्री है और एट होता है टू का क्यूब यानी कि क्यूब टू दावर फोर्टी एट तो टू टू द पावर कितना हो जाएगा यहाँ से हमें मिल जाएगा टू टू द पावर फोर्टी एट टू थ्री वन फोर्टी फोर ठीक है ऑलरेडी इसी से हमको ज्यादा पावर मिल गया ठीक है वन फोर्ट भी मिल जाता तो भी हमारा काम हो जाता है वन फोर्टी जीरो एडिशनल आ जाते तो सिक्सटी जीरो ऑलरेडी थे वन फोर्टी और आएंगे एड सिक्स प्लस वन फोर्टी कितना टू हंड्रेड हमारा आंसर आ जाएगा क्या बात कह रहे हैं और ऐसे हर एक केस में अगर हमारे जो नंबर है कॉन्सेग सारे के सारे लगातार नंबर है तो हमेशा हमें सिर्फ और सिर्फ फाइव की पावर चेक करनी है क्योंकि टू की पावर हमेशा उससे ज्यादा मिलेगी सिर्फ और सिर्फ फाइव की पावर चेक करनी है टू पावर हमेशा उससे ज़्यादा मिलेगी क्या बात कह रहे हैं ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं

टोटल सेविंग्स अ परफेक्ट स्क्वायर एज वेल एज अ परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए और परफेक्ट क्यूब भी होना चाहिए ठीक है कौन से दिन पे होगा तो कौन सा हमारा सबसे छोटा नंबर है जो कि परफेक्ट स्क्वायर भी हो और परफेक्ट क्यूब भी हो चाहो तो लिख के देख लो वन फोर नाइन सिक्सटीन सिक्सटीन तक तो क्यूब नहीं आया उसके बाद में तुम्हारा अगला नंबर है ट्वेंटी फाइव ठीक है थर्टी सिक्स फोर्टी नाइन सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर हमारा क्या है दिस इज फोर का क्यूब एज वेल एज एट का स्क्वायर एट का स्क्वायर भी है फोर का क्यूब भी है अब कितने नंबर्स में बनेगा कितने दिनों में बनेगा तो चाहो तो, तो तुम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी यहाँ पे बना सकते हैं हम क्योंकि ठीक है उसके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि वन थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन ये पूरा एपी में बन रहा है अपना ठीक है और अदरवाइज क्या है काउंट कर लो डायरेक्टली काउंट करके देख लो नेक्स्ट में आएगा नाइन फिर आएगा एलेवन देन आएगा थर्टीन क्या हो गया वन प्लस थ्री फोर फोर प्लस फाइव नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन प्लस नाइन ट्वेंटी फाइव प्लस इलेवन थर्टी सिक्स प्लस थर्टीन फोर्टी नाइन और प्लस नेक्स्ट और कर दोगे तो 64 हमारा सम हो जाएगा कितने दिन हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट एट डेज हुए तो इर्थ जनवरी को हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा इर्थ जनवरी को जो टोटल उसका सेविंग्स है दैट विल बी इक्वल टू सिक्स रुपीज ठीक है यहां पे एक और पैटर्न देख पा रहे हो गए पैटर्न इज कि तुम जब पहले दो को सम कर रहे हो तो क्या रिजल्ट आ रहा है दो को सम करने पर रहा है फोर पहली टू एंट्रीज का सम आ रहा है फोर पहली तीन एंट्रीज को सम करोगे सम आ रहा है नाइन नाइन तो पहली एट एंट्रीज को सम करोगे तो सम आ जाएगा सिक्सटी फोर बिकॉज थ्री एंट्री का समारा थ्री स्क्वायर टू का समारा टू स्क्र तो क्लियरली पैटर्न बन रहा है एट का समागा एट का स्क्वायर यानी कि सिक्सटी फोर तो तुम्हें इतना सा प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है क्या बात समझ पा रहे हो क्योंकि जस्ट इनके अगर बड़ा नंबर कोई दिया होता तो हमारे लिए आंसर निकालना इस पैटर्न से आसान होता क्लियर है ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिपल टू टू पावर ट्रिपल थ्री प्लस ट्रिपल थ्री टू पावर ट्रिपल टू इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलिंग नंबर ऑप्शन कह टू एंड थ्री बट नॉट थर्टी सेवन टू थ्री थर्टी सेवन में से मैडिफाई करना है कि कौन से दो नंबर होंगे या तीनों होंगे ठीक है सबसे आ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है इनफैक्ट क्वेश्चन हमारा बता रहा है ट्रिपल टू टू दी पावर ट्रिपल सी प्लस ट्रिपल सी टू दावर ट्रिपल टू पहला जो नंबर है हमारा इवन नंबर की पावर है यानी कि रिजल्ट हमारा इवन आएगा सेकंड नंबर ऑड नंबर की पावर है तो ऑड की पावर तो ऑड ही आएगा और अब इवन को ऑड ऑड से ऐड करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट ऑड आएगा अपना रिजल्ट ऑड आएगा और ऑड है तो डिविजिबल बाय टू तो नहीं होगा यानी कि टू से डिविजिबल नहीं होगा यानी कि आंसर अपना ऑप्शन बी होगा क्लियरली कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है थ्री और थर्टी सेवन को चेक करने की जरूरत है ही नहीं ठीक है अगर जस्ट इन केस ऑप्शन और फंसाने वाले होते तब हम क्या करते तब हमें चेक करना पड़ता तो हमें पता है ट्रिपल टू मल्टीपल है ट्रिपल वन का और ऐसे ही ट्रिपल थ्री भी मल्टीपल है ट्रिपल वन का जब दोनों ही मल्टीपल है यानी कि जो पहला नंबर हमारा है पावर कितनी भी हो ये हमारा मल्टीपल ऑफ ट्रिपल बनाएगा सेकंड नंबर भी मल्टीपल ऑफ ट्रिपल बनाएगा ठीक है लेटेस्ट से पहला नंबर हमारा है ट्रिपल वन मल्टीप्लाइड बाई एवन और दूसरा है ट्रिपल वन मल्टीफाइड बाई के टू जब तुम दोनों को ऐड करोगे तो ट्रिपल वन तो कॉमन आ जाएगा अंदर बचेगा के वन प्लस के टू यानी कि ये भी हमारा मल्टीपल होगा किसका ट्रिपल वन और ये होता है थर्टी सेवन इन थ्री यानी कि थर्टी सेवन का भी मल्टीपल है और थ्री का भी मल्टीपल है ठीक है थर्टी सेवन थ्री का मल्टीपल है टू का नहीं होगा ऑप्शन बी आंसर है क्लियर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं आई बिलीव अप्रिशिएट कर पाओगे बातों को समझ पा रहे हो ठीक है क्वेश्चन कह रहा है वट परसेंट ऑफ वाटर मस्ट भी मिक्स हनी वाटर को हनी के साथ में मिक्स करना है और कैसे मिक्स करना है कि हमारा गेन हो ट्वेंटी परसेंट का ट्वेंटी परसेंट का गेन हो और सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस मिक्सचर को हम हनी पे बेच रहे हैं करो। ठीक है? तो, अगर तो जितना दे रहे हैं प्योर हनी जितना है जो हम कंटेंट दे रहे हैं ठीक है उतना तो हमें कॉस्ट लगी रहा है तो हमारा जो प्रॉफिट है प्रॉफिट इज ऑनली ड्यू टू मिक्सिंग वाटर प्रॉफिट इज ड्यू टू मिक्सिंग वाटर और अगर वाटर मिक्स करने की वजह से प्रॉफिट आ रहा है तो क्या फोर परसेंट वाटर मिक्स करे ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट हो सकता है क्या पॉसिबल है क्या नहीं पॉसिबल है फाइव परसेंट मिक्स करके हो सकता है क्या नहीं पॉसिबल है ट्वेंटी परसेंट से कम वाटर मिक्स करोगे कैसे ट्वेंटी परसेंटेंट प्रॉफिफ हो जाएगा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ठीक है तो ना तो आंसर बी है ना सी है ना डी है स्ट्रेट अवे ऑप्शन ए आंसर है ऑप्शन इतने ईजी है कि कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है क्या यह बात समझ पा रहे हो तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है अदरवाइज कैलकुलेशन करते हो तो लोटस से हंड्रेड ग्राम हमारा हनी है ठीक है तो परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, तो हमें हंड्रेड वैल्यू ले लिया हंड्रेड ग्राम हनी है हमारा और हमें चाहिए गेन कितना ट्वेंटी परसेंट चाहिए कॉस्ट प्राइस पे बेचना है तो हमारा लेटेस्ट से यह हंड्रेड रुपीज़ का था हंड्रेड ग्राम हनी अब अगर हमें प्रॉफिट चाहिए कितना चाहिए ट्वेंटी परसेंट तो ट्वेंटी परसेंट का प्रॉफिट चाहिए यानी कि प्लस ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी रुपीज़ हमें फ़ायदा चाहिए तो इस ट्वेंटी रुपीजी का हमें वाटर मिक्स करना पड़ेगा और बेचेंगे किस दाम पर बेचेंगे हनी के दाम पर यानी कि ट्वेंटी ग्राम तुम वाटर ऐड करोगे बिकॉज वाटर है फ्री हमारा ठीक है वाटर फ्री है। वाटर फ्री नहीं होता तो फिर हमें ज़्यादा इस क्वेश्चन में टाइम खर्च करना पड़ता बट क्या यह बात समझ पा रहे हो कि ट्वेंटी ग्राम तुम ऐड कर रहे हो वाटर हंड्रेड ग्राम हनी में तो ट्वेंटी परसेंट वाटर ऐड कर रहे हो ठीक है ऑप्शन ए आंसर है यहां पे एक और बात समझने वाली है जो कि इस क्वेश्चन में आसान है किसी और क्वेश्चन में फंसा सकता है क्वेश्चन पूछा है कितनाकिंग ट्वेंटी परसेंट प्रॉफिट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस ऑफ हनी यानी कि टोटल मिक्सचर का परसेंटेज वॉटर कि कितना होगा तो उसके समय पता होता कि ट्वेंटी ग्राम है वॉटर हनी है हंड्रेड ग्राम तो टोटल हमारा 120 ग्राम है तो 120 ग्राम का 20 ग्राम यानी कि 1 बाई सिक्स यानी कि 16.66 परसेंट आंसर होता है उसके बाद अगर टोटल मिक्सचर के लिए पूछता तब इस क्वेश्चन का आंसर ट्वेंटी परसेंट है बट ये बात भी ध्यान रखिए कि सिमिलर क्वेश्चन होता है सब कुछ सेम होता बस सिर्फ और सिर्फ परसेंट ऑफ वाटर और तो टोटल मिक्सचर पूछा होता तो हमारा आंसर डिफरेंट हो जाता क्लियर है लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमेशा ध्यान से पढ़ना है चाहे तुम रीडिंग कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो चाहे तुम एल पढ़ रहे हो चाहे तुम पांड का क्वेश्चन कर रहे हो लैंग्वेज में फंसोगे तो गलतियां करोगे हमेशा लैंग्वेज में अपना जो है पकड़ अच्छे से बनाना है हर एक वर्ड को ध्यान से समझना है क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द राइट मोस्ट डिजिट प्रिसीडिंग द यानी जीरो से पहले वाली आखिरी डिजिट कौन सी होगी जीरो कितने आएंगे हमें इससे कोई मतलब नहीं है लास्ट में जो डिजिट जीरो के बाद में आने वाली है वो कौन सी आने वाली है ये क्वेश्चन है थर्टी की पावर थर्टी है थर्टी क्या है थ्री इंटू टेन है इंटू टेन की पावर थर्टी है तो ये हो जाएगा थ्री की पावर थर्टी इंटू टेन की पावर थर्टी तो ये तो हमें पता है टेन की पावर थर्टी से थर्टी जीरो आ जाएंगे

रिमाइंडर सेम आने का मतलब क्या हुआ अगर रिमाइंडर दोनों ही केसेस में सेम आ रहा है तो जो हमारा डिफरेंस है डिफरेंस कितना है इनके बीच में सिक्स का डिफरेंस है सिक्स का डिफरेंस है ठीक है तो हमारा जो आंसर होगा हमारा जो नंबर होगा हाउ मेनी नंबर्स कैन बी यूज्ड एज द डिवाइजर इन ऑर्डर टू गेट द सेम रिमाइंडर वन क्योंकि रिमाइंडर हमारा सेम आ रहा है तो जो डिवाइजर है वो सिक्स होगा सिक्स हो सकता है या फिर सिक्स का कोई फैक्टर होगा का कोई फैक्टर होगा ठीक है तो क्या क्या फैक्टर्स बनते हैं सिक्स के टू है थ्री है और वन भी है बट वन अगर होगा तो रिमाइंडर वन थोड़ी आएगा तो वन तो ने अपना आंसर नहीं होगा यानी कि सिक्स टू एंड थ्री थ्री ऑप्शन है तीन ऐसे डिवाइजर्स होंगे जिनसे कि हमें रिमाइंडर वन मिलेगा क्या ये बात क्लियर है ठीक है तो जब भी सेम रिमाइंडर मिल रहा हो तो हमें सिर्फ सिर्फ डिफरेंस पे फोकस करना है जो डिफरेंस है हमारा या तो वो हमारा डिवाइजर होगा या फिर उसका कोई फैक्टर डिवाइजर होगा और जो फैक्टर होगा दैट फैक्टर शुड बी ग्रेटर देन रिमाइंडर का वैल्यू इस केस में क्योंकि वन है, तो वन से बड़ा होना चाहिए बॉटल्ड इन बॉटल्स ऑफ इक्वल साइज सो दैट होल ऑफ पेट्रोल एंड डीजल वुड बी सेपरेटली बॉटल्ड सेपरेटली बॉटल करना है मिक्स नहीं करना है दोनों को ठीक है तो पेट्रोल को सेपरेटली बॉटल करना है डीजल को सेपरेटली बॉटल करना और इक्वल साइज के बॉटल्स में बॉटल करना है बॉटल की कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफर्स इज एन इंटीजर

जिसको कि जब सबसे बड़ा डिवाइजर हो ठीक है फैक्टर हो जिससे कि हम डिवाइड करें जब एक्स और वाई को तो रिमाइंडर हमारा दोनों कैसे में जीरो है डिफरेंस देख लो यहाँ पे सबसे पहले डिफरेंस कितना है वन थर्टी थ्री का तो हमारा जो एच सी एफ आएगा वन थर्टी थ्री या उसका कोई फैक्टर होगा उससे बड़ा वैल्यू नहीं हो सकता है ठीक है उससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता है तो वन थर्टी थ्री से क्या डिवाइड हो रहा है हमारा वन थर्टी थ्री इंटू थ्री होता है थ्री नाइन्टी नाइन और वन थर्टी थ्री इंटू फोर होगा फाइव थर्टी टू तो यस वन थर्टी थ्री हमारा एच सी एफ आ जाएगा एच सफ आ गया वन थर्टी थ्री यानी कि एक बॉटल तो हमारी हो सकती है वन थर्टी थ्री लीटर्स की एक तो एक केस बन गया हमारा और वन थर्टी को फैक्टराइज कर लो क्योंकि इसका कोई फैक्टर होगा तो भी चलेगा बेसिकली देखो हर एक बहुत सारे केसेस में देखा ना तुमने कि दो क्वेश्चन लगा था सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड ठीक है तो वन थर्टी हो सकता है इसका फैक्टर क्या होगा वन थर्टी थ्री इज नाइनटीन इंटू सेवन यानी कि सेवन लीटर भी पॉसिबल है या नाइनटीन लीटर भी पॉसिबल है एक जो मिस नहीं करना है कि वन लीटर भी पॉसिबल है बिकॉज वन थर्टी थ्री को फैक्टर्स कितने होंगे नाइनटीन की पावर बन है सेवन की पावर बन है टू इंटू टू फोर फैक्टर्स आएंगे तो फोर हमारे सोल्यूशन पॉसिबल होंगे ऑप्शन बी

सम एस हमारा गिवन है एक्स प्लस वाइव प्लस जेड फिर एक्स आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स और ईच लेस देन टेन एक्स वाइड क्या है प्राइम नंबर्स है जो कि लेस देन टेन है अलग अलग भी है लेस देन टेन है तो क्या क्या हो सकते हैं टू थ्री फाइव और सेवन यही चार प्राइम नंबर्स हो सकते हैं और क्योंकि तीन है तीन कि नहीं भी तीन का हमें सम करना होगा फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है यूनिट डिजिट ऑफ एक्स कैन बी जीरो डिजिट ऑफ एक्स कैन बी जीरो जीरो हो सकता है जीरो तब होगा जबकि सम आएगा टेन फस ट्वेंटी वगैरह तो आ नहीं सकता तो टेन कब आ सकता है टू प्लस थ्री प्लस फाइव करो टेन आ जाएगा एक केस में बन रहा है तो बिल्कुल पॉसिबल है कैन बी जीरो कैन बी नाइन क्या नाइन समा आ सकता है हमारा मिनिमम ही आ रहा है टेन टेन तो मिनिमम वैल्यू इससे कम हो ही नहीं सकता क्योंकि सबसे छोटे वाले हमने तीन प्राइम नंबर्स लिए थे तो टेन से कम आ नहीं सकता है नाइनटीन आना पॉसिबल नहीं है नाइनटीन पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैक्सिमम सम सबको भी जोड़ लोगे सात पाँच बारह पाँच सत्रह सेवेंटीन आ रहा है तो डेफिनेटली नाइनटीन नहीं आ सकता तो नाइन तो आना पॉसिबल नहीं है सेकंड वाला गलत हो गया सेकंड गलत होते ही हमारा आंसर आ जाएगा वन एंड थ्री और फिर भी थर्ड वाले को भी चेक कर लेते हैं यू एस कैन बी फाइव तुम तो फाइव आने सकता है फिफ्टीन आ सकता है क्या फिफ्टीन आ सकता है सात पाँच बारह तीन बिल्कुल थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन क्यों तो हमारा फिफ्टीन बन रहा है तो थर्ड इज ऑल्सो पॉसिबल तो वन एंड थ्री विल बी द आंसर बट ऐसे किसी भी क्वेश्चन में एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और हमें पता है दो या फिर उससे ज़्यादा आएंगे तो डेफिनेटली आंसर अपना ऑप्शन सी होगा थर्ड वाला चेक करो नहीं करो कोई तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तो कई बार ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कोई एक स्टेटमेंट ऐसा हो जिसको चेक करने में तुम्हारा टाइम ज़्यादा खराब हो ठीक है तो ऑलरेडी अगर तुम्हें आंसर मिल रहा है दो स्टमेंट तो तीसरे वाले को जाने दो सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है हो सकता है सीक्वेंस डिफरेंट दिया हो तुम उन दो को सबसे पहले देखो जो सबसे आसान हो जिसमें लग रहा है टाइम ज्यादा खराब होने वाला है टाइम ज्यादा लगने वाला है उसको स्किप मार दो ठीक है क्लियर है हाँ ये सिर्फ तब करना है जबकि हमें तो दो स्टेटमेंट करेक्ट होंगे या तीन करेक्ट होंगे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक करेक्ट होगा तो फिर वहां पर चेक करना पड़ेगा सबको सबको चेक करना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से चेक करना पड़ेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अ सीक्वेंस ए देन ब्लैंक वी सी डी बड़ा ही इजी क्वेश्चन है तो कितना है टोटल टर्म्स वन टू थ्री फोर फाइव

पी है इन्वेस्टमेंट हो गया इनका और कितना टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है एट मंथ्स के लिए बट क्यू ने इन्वेस्ट किया है टेन मंथस के लिए प्रॉफिट होगा प्रॉफिटमेंट इन टू टाइमेंट इंटू टाइम के रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा है कि दो वैल्यूज है एक वैल्यू दूसरे से इतना ज्यादा है और टोटल अमाउंट भी गिवन है तो सबसे पहला काम करो टोटल अमाउंट टू थाउजेंड में से फोर हंड्रेड सब कर दो बच्चा सिक्सटीन हंड्रेड अब इसको दो इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इक्वेशन ही बना सकते हो बट ये बात समझ जाओगे तो कई बार चीजें बड़े बड़े आसान हो जाएंगी तुम्हारे लिए ठीक है अब दोनों का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अब पी का जो शेयर है फोर हंड्रेड ज्यादा है तो पी वाले शेयर में फोर हंड्रेड एड कर दो पी का शेयर आ गया ट्वेल्व हंड्रेड और क्यू का शेयर आ गया एट हंड्रेड तो प्रॉफिट का शेयर आ गया और प्रॉफिट क्या होगा इन्वेस्टमेंट टाइम के रेशियो में होगा ट्वेल्व हंड्रेड

ठीक है अगर एट से काटो नीचे बचेगा कितना वन फाइव जीरो टेन से काट दो नीचे बचा एटी जीरो से जीरो भी काट लो उनकी रेशो ही चाहिए हमको फिफ्टीन और एट के बीच में डिफरेंस कितना का है सेवन यूनिट का डिफरेंस है और यही सेवन यूनिट का डिफरेंस किसके बीच में होगा पी और क्यू के इन्वेस्टमेंट के बीच में होगा सेवन यूनिट्स और सेवन यूनिट्स की वैल्यू कितनी है फोर्टीन थाउजेंड बिकॉज पी का इन्वेस्टमेंट है एक्स प्लस फोर्टीन थाउजेंड और क्यों का है एक्स तो अगर सेवन यूनिट्स की वैल्यू है फोर्टीन यानी वन यूनिट कितना हो जाएगा टू थाउजेंडी तो यूनिट्स हो जाएगा फिफ्टी इन टू यानी कि थर्टी थाउजेंड स्ट्रेट अवे कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा हमें इक्वेशन बना के बाद में सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या ये अप्रोच समझ में आ रहा है ठीक है तो अगर ये अप्रोच भी समझ में आ रहा है तो बढ़िया बात है अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को समझ में आ रही चीज़ है ठीक है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें मल्टीपल तरीकों से बताऊँ ताकि तुम ज़्यादा से ज्यादा अच्छे तरह से क्वेश्चन को समझ सको अंडरस्टैंडिंग हमारी उतनी ही बेहतर होती जितना ज्यादा तरह से हम अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए अपने कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरह से क्लियर कर सके क्वेश्चन को समझने में हम मल्टीपल तरह से समझ सकें सबसे अच्छी बात है ठीक है ताकि सबसे आसान जो तरीका हो उसको प्रैक्टिस कर सकें लगातार बार बार तो प्रैक्टिस से ही हमें समझ में आएगा सबसे आसान तरीका कौन सा है पहली बार में तो नहीं समझ में आएगा ठीक है तो अगर तुमने अभी तैयारी करना स्टार्ट किया है तो बस लगातार प्रैक्टिस करते रहो तरीकों को सीखते रहो और उनको अप्लाई करते रहो हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे एप्लीकेबल हो ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पी सैलरीज ट्वेंटी परसेंट लोअर देन क्यू तो पी की सैलरी क्यू से ट्वेंटी परसेंट कम है और आर की सैलरी से पी की सैलरी ट्वेंटी परसेंट कम है क्यू सैलरी ट्वेंटी परसेंट लोअर देन आर की सैलरी सबसे कम सैलरी कितनी है पी किसकी है पी की सबसे ज़्यादा है आर की तो लेटर्स एज्यूम की आर की सैलरी हंड्रेड है थीक? वैल्यूज इजी है ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट घटाना है हमको तो आर की सैलरी हंड्रेड मान लेते हैं क्योंकि सैलरी कितना आ कि जाएगी ट्वेंटी परसेंट कम आ जाएगी हंड्रेड माइनस ट्वेंटी एटी आ जाएगा अब क्यू की सैलरी ट्वेंटी परसेंट घटाना है एटी का ट्वेंटी परसेंट कितना होगा 80 का ट्वेंटी 20, 20 थोड़ी होगा एटी का ट्वेंटी होगा 80 डिवाइडेड बै फाइव ट्वेंटी यानी कितना होता है वन बाई फोर ट्वेंटी परसेंट सब ट्रैक करना है एटी बाई फाइव सिक्सटीन सिक्सटीन घटा दिया सिक्सटी फोर बचेगा हमारा पी का सैलरी सिक्सटी फोर है पी की सैलरी आर की सैलरी हंड्रेड और क्वेश्चन पूछा है हाउ मच परसेंटेज आर सैलरी मोर देन पी सैलरी किससे ज्यादा होनी चाहिए पी से ज्यादा यानी कि बेसिक क्या है हमारा बेस क्या है बेस है पी तो पी से आर की सैलरी कितना ज्यादा है थर्टी सिक्स ज्यादा है थर्टी सिक्स ज्यादा है ठीक है थर्टी सिक्स ज्यादा है और बेस क्या है पी यानी कि परसेंटेज में कितना हायर होगा थर्टी सिक्स बाई सिक्सटी फोर यह परसेंट वैल्यू निकालना है हमें मल्टीप्लाई फाइव बाई हंड्रेड कर दो फोर से कट रहा है नाइन ऊपर बचेगा नीचे बचेगा सिक्सटीन नाइन बाई सीन नाइन हंड्रेड बाई सी आ रहा है फिर से फोर से काटोगे नीचे बचेगा फोर ऊपर बचेगा टू ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव बाई फोर दिसंट टू फाइव परसेंट ठीक है आंसर आ जाएगा फिफ्टी सिक्स टू फाइव परसेंट ऑप्शन बी ओके परसेंटेज पे एक स्पेशल सेशन uh, लूंगा तो वहां पे हम इन सारी वैल्यूज को कैसे इजिली हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं इन चीजों को हम अच्छे से सीखेंगे ताकि तुम फटाफट -फड़ इसको सॉल्व कर पाओ इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़े अननेसेसरी कोई जरूरत नहीं कैलकुलेशन की स्टेट में हमें देखना चाहिए कि 9 16 क्या है, 9 16 है 8 16, 1 16, 8 16 होता फिफ्टी परसेंट

करेक्ट होता हमने एन को फोर से मल्टीप्लाई किया होता दिस वॉज करेक्ट दिस इज इन करेक्ट दिस इज इन करेक्ट क्वेश्चन पूछा परसेंटेज चेंज क्या होगा रिजल्ट में इस मिस्टेक की वजह से तो बेस वैल्यू क्या होगा बेस क्या होगा एरर कहां से स्टार्ट करोगे सही से सही में कितना हमारा गलती हो गया है उस गलती को आइडेंटीफाई करना है परसेंटेज में ठीक है तो अपनी कैलकुलेशन को और भी आसान करने के लिए हम यहां पे एन को फोर मान सकते हैं एन इज फोर मान लो तो क्या हो जाएगा एन बाई आ जाएगा वन एन इंटू फोर आ जाएगा फोर इंटू फोर यानी कि सिक्सटीन हमारी करेक्ट वैल्यू थी वन वैल्यू आई है यानी कि फिफ्टीन कम आई है एरर हमारी क्या एरर इज दिस फिफ्टीन यही फिफ्टीन हमारा एरर है ठीक है सो so, एरर आ जाएगा फिफ्टीन 15 बाई सिक्सटीन परसेंटेज में अगेन निकालना है दिस इज वन माइनस वन बाई सिक्सटीन तो वन हमारा है हंड्रेड परसेंट वन बाई सिक्सटीन कितना है सिक्स पॉइंट टू फाइव परसेंट पीछे वाले क्वेश्चन में तो देखा ठीक है तो so, आंसर आ जाएगा 93.75 थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट अदरवाइज तुम करोगे फिफ्टीन हंड्रेड बाई सी फिफ्टीन बाई सिक्सटीन इन हंड्रेड कर लोगे उसके बाद भी तो सेम स्टोरी है ठीक है थ्री सेवेंटी फाइव बाई फोर आ जाएगा और उसके बाद सॉल्व तो कर लोगे ओके okay? आंसर नाइनटी थ्री पॉइंट सेवन फाइव ही आएगा क्या ही बात समझ में आती है अब जस्ट इन केस तुमने मान लो कि वन ऑफ सिक्सटीन नहीं मान पाए होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी एन बाई फोर था इन करेक्ट वैल्यू फोर एन था करेक्ट वैल्यू तो एरर हमारा आ जाएगा फोर एन माइनस एन बाई फोर एन वैसे ही कॉमन आके कैंसिल होने वाला है तो एन इंटू फिफ्टीन बाई फोर आ गया एरर हमारा एन इंटू फिफ्टीन बाई फोर आ गया न्यूमरेटर में डिमोमीटर में आएगा फोर एन एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा तो एनी वे फिफ्टीन बाई सिक्सटीन ही आ जाएगा परसेंटेज में करने के लिए हंड्रेड कर लोगे इन हंड्रेड आंसर नाइनटी पॉइंट सेवन फाइव परसेंट आ जाएगा क्लियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन 80 परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश 70 परसेंट स्टूडेंट पासड इन हिंदी एंड 15 परसेंट फेल्ड इन बोथ अब दो डेटा हमें दिए हैं पास वाले एक डेटा दिया है फेल वाला क्वेश्चन क्या पूछा क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ऑनली वन सब्जेक्ट क्योंकि हमें फेल्ड का ही डेटा निकालना है तो बाकी डेटा को भी फेल्ड में ही चेंज कर दो फेल्ड में ही चेंज कर देंगे ठीक है इंग्लिश में हमारे पास हुए हैं एटी यानी कि ट्वेंटी फेल हुए होंगे बचे हुए फेल हुए होंगे ट्वेंटी फेल हुए, हुए? सिमिलरली हिंदी में ट्वेंटी परसेंट पास किए तो बचे हुए थर्टी परसेंट फेल हुए और टोटल फेल हुए फिफ्टीन परसेंट दोनों में मिला के दोनों का कॉमन यानी कि दोनों में जो फेल हुए फिफ्टीन परसेंट तो बीच में लिखते फिफ्टीन परसेंट दोनों में फेल हुए यानी कि इंग्लिश में टोटल ट्वेंटी परसेंट है ट्वेंटी परसेंट में फिफ्टी है दोनों में फेल हुए है, तो फाइव परसेंट गया जो अकेले इंग्लिश में सिमिलरली हिंदी में टोटल थर्टी परसेंट है फिफ्टीन परसेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में फेल हुए तो बचा गया फिफ्टीन परसेंट क्वेश्चन पूछा एक्जैक्टली एक में फिर कितने फेल हुए तो फाइव परसेंट हुए सिर्फ इंग्लिश में फिफ्टी परसेंट हुए सिर्फ हिंदी में टोटल मिलाएगा फाइव पर फिफ्टी ट्वेंटी परसेंट ट विल्शन क्लियर ठीक है ऑप्शन बी हमारा इस केस में आंसर आ जाएगा क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन सेन ईयर आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाव जो तुम्हारी एज है उससे आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ ठीक है तो फादर और सन के बारे में बात हो रही है, है। तो मान लेते हैं सन की एज है आज एक्स ठीक है तो एन इगो फादर की एज कितनी होगी फादर की एज एनियजो वही होगी जो आज है सन की यानी कि एक्स और सन की एज क्या होगी एनियर्स एगो एन ईयर्स कम होगी एक्स माइनस एन होगी और क्वेश्चन ये कह रहा है कि माई प्रेजेंट एज इज फोर टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक तो प्रेजेंट एज फादर की कितनी होगी एन ईयर ज्यादा होगी एक्स प्लस एन होगी और साथ में ये भी कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज है फादर की दिस इज फोर टाइम्स दिस इज फोर टाइम्स ऑफ सन्स एज एन ईयर्स बैक यानी कि एक्स प्लस एन इज उठ टाइम्स ऑफ एक्स माइनस है तो यहां से आ जाएगा एक्स प्लस एन इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस फोर एन तो फाइव एन विल्स एन विल भी साथ में क्वेश्चन कह रहे हैं तो एक्स प्लस एन प्लस एक्स विच इज टू एक्स प्लस एन दैट इजोल टू वन थर्टी और एन इजो एक्स प्लस फाइव थ्री एक्स बाई फाइव पुट कर दोगे यहां पर ठीक है एन इक्वल टू थ्री बाई फाइव थ्री एक्स बाईव पुट कर दोगे दो, तो टू एक्स प्लस

ठीक है ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा अच्छा मानते समय ऐसा भी हो सकता था कोई ऐसे मान लेता इस क्वेश्चन को एक सेकंड फादर इज सेइंग एन इयर्स बैक आई वाज एज ओल्ड एज यू आर नाउ ठीक है और माय प्रेजेंट एज इज फोर टाइम्स योर एज एन इयर्स बैक तुम्हारी जो एन इयर्स बैक एज थी मान लिया हमने एन इयर्स बैक जो फादर सन की एज थी वो एन एस एगो एक्स थी एट प्रेजेंट हो जाएगी एक्सप्रेस वन फादर की एज हो जाएगी एन एस एगो एक्सप्रेस एन और फादर की प्रेजेंट एज क्या है फोर टाइम्स है फोर टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू यानी फोर एक्स आ जाएगी ठीक है अब इस हिसाब से भी सोल्व कर सकते हो क्वेश्चन बना के ठीक है इस हिसाब से भी क्वेश्चन बना के सोल्व कर सकते हो कि फोर एक्स प्लस एक्सप्रसन दैट इज इक्वल टू कितना ठीक है दिस इज इक्वल टू कितनाटी और साथ में हमें क्या पता है कि एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ माई प्रेजेंट एज फोर टाइम्स यूर एज एन ईयर्स बैक ठीक है ठीक है ठीक है ओके ओकेट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस ठीक है तो यहाँ पर सेकेंड सब कुछ सही किया है ना हमने एक्स प्लस एन प्लस एन आएगा हमारा फोर एक्स फादर के जान बात क्या होगी प्लस एन हो, हो जाएगी यानी वैल्यू इज इक्वल टू फोर एक्स टू एन विल बी इक्वल टू थ्री एक्स यहां से एन हमारा आ जाएगा थ्री एक्स बाई टू ठीक है डिफरेंट तरह से एक्सप्रेशन बनाया बस हमने अब इसको पुट कर दोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर सेम ही आना है चाहे पहले तरीके से करो दूसरे तरीके दोनों तरीके इनफैक्ट सेम ही है बस तुमने क्वेश्चन का स्टेटमेंट जो लिया एक्स मानने में बस फर्क जो किया उसकी वजह से हमारे एक क्वेश्चन में फर्क आया क्या बात कह रहे हैं ठीक है हालांकि इस क्वेश्चन को हम इसके बजाय भी कर सकते हैं अगर एक्स मानने में कंफर्टेबल नहीं हो और जरूरत भी नहीं होती कई बार एग्जाम में डायरेक्टली वैल्यूज से ऑप्शन से भी कर सकते हो तो ऑप्शन से करके भी देखते हैं फटाफट से ठीक है ऑप्शन लेने हमें फादर और सन की एज का जो सम है दैट इज वन थर्टी ओके डिफरेंस ऑफ एजेस थर्टी ईयर्स ले लेते हैं ऑप्शन ए मान लेते हैं अपना ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए, ए में सबसे कन्वीन ऑप्शन है तो यहां से स्टार्ट करते हैं ठीक है हालांकि आंसर भी यही है बट चलो शुरू करते हैं यहां से ठीक है तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ माई प्रेन्ट एज अगर थर्टी ईयर yes का डिफ्रेंस है इनके बीच में फादर और सन के एज मिला के थर्टी है थर्टी को सेपरेट करो वन थर्टी में से हंड्रेड बचा फिफ्टी फिफ्टी बाकी को दे दो तो फादर को दिया फिफ्टी सन को दिया फिफ्टी फादर को थर्टी एक्स्ट्रा दोगे तो फादर की एज जाएगी एट्टी सन की एज किया जाएगी फिफ्टी ये कब है ये तो प्रेजेंट में है ठीक है और डिफरेंस कितना आ रहा है डिफरेंस आ रहा है थर्टी का तो सन की प्रेजेंट कितनी है फिफ्टी क्वेश्चन कह रहा है फादर कह रहा है एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ एज यू आर नाउ तो अभी सन कितना है फिफ्टी ईयर्स का है यानी कि फिफ्टी ईयर्स का फादर रहा होगा कितने साल पहले थर्टी ईयर्स पहले यानी कि एन इज थर्टी आ रहा है सन एन 30 years पहले यानी थर्टी ईयर पहले फिफ्टी थर्टी ट्वेंटी ईयर्स का ट्वेंटी ईयर का ट्वेंटी का फोर टाइम्स है एटी यानी कि डेफिनेटली मैच कर रहा है कंडीशन मैच कर रहा है ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा नहीं मैच करता दूसरे ऑप्शन पे जाते ठीक है क्लियर है अब दूसरे ऑप्शन पे जब हम जाते तो थर्टी के बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हम लेते थर्टी फोर थर्टी फोर इसलिए लेते तो, कि अगर थर्टी फोर मैच कर जाएगा तो, तो आंसर हो जाएगा नहीं मैच करेगा तो हमें शायद ये आइडिया लग जाता है कि थर्टी फोर से छोटा वैल्यू लेना है या बड़ा वैल्यू लेना है क्या ये बात समझ में आती है ठीक है तो मैं एक आइडिया तो उससे हमारे लिए फिर हमें पता होता है कि अगर थर्टी नहीं मैच करा उसे छोटा आंसर होगा तो थर्टी आंसर फॉर श्योर होगा क्योंकि थर्टी है नहीं थर्टी फोर है नहीं तो थर्टी टू आंसर होगा बड़ा आंसर होगा तो थर्टी फॉर श्योर होगा यानी तो कि दो ही ऑप्शन चेक करके हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा क्या ये बात समझ पा रहे हो सारे ऑप्शन को नहीं चेक करना है हमें बस कम से कम ऑप्शन को चेक करके अपने आंसर को आइडेंटिफाई करना है अगर हम ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन थर्टी वन थाउजेंड लीटर इज इक्वल टू वन मीटर क्यूब वन सेंटीमीटर क्यूब होता है वन एम एल ठीक वन एम एल होता है तो यही टेन टू पॉइंट यहां तो वन मीटर क्यूब आ जाएगा इज एब्सोल्युटली करेक्ट इज था स्क्तर दिस इज ऑल्सो करेक्ट तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा वेरी इजी क्वेश्चन नेक्स्ट लेट एक्स डिजिट नंबर एंड वाई डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ऑफ एक्स एक्स प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर टूडिट नंबर का मतलब क्या हुआ अच्छा बड़ा है? 99. तो वाई आ गया पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या होगा जबकि एक्स प्लस वाई हमारा नाइनटी नाइन आ रहा है और एक्स और वाई हमारे डिजिट्स को इंटरचेंज करके मिल रहे हैं हमने एक्स को लिया थर्टीन और वाई को ले सकते हो फिर क्या थर्टी वन सम आएगा फोर्टी फोर लेकिन हमें सम चाहिए नाइन्टी नाइन सम नाइन्टी नाइन ये जो डिजिट्स है हमारी वन ओ थ्री इनका जो सम है दैट विल भी इक्वल टू तो नाइन इनका सम इक्वल टू तो नाइन हो जाएगा ठीक है तो हमारा डेफिनेटली सम और सम का का सम क्या हो सकता है जैसे फॉर एक्जाम्पल एक्स को तुम ले लो एटीन <coughs> वाई आ जाएगा एटी वन सम आ जाएगा नाइन्टी नाइन सिमिली एक्स ले लो सेवेंटी टू सेवन प्लस टू ट्वेंटी सेवन एक्स को ले सकते हो सिक्सटी थ्री प्लस थर्टी सिक्स फिफ्टी फोर प्लस फोर्टी फाइव लेकिन इन चार पे ख़त्म नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे अब एक्स हमारा फोर्टी फाइव भी तो हो सकता है बहुत लोग गलती क्या करोगे यहाँ पे फोर मार्क कर दोगे आंसर ठीक है कुछ भी नंबर हो सकता है ऐसा तो नहीं दिया ना कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई या एक्स इज रेटर देन वाई ऐसा तो कुछ कंपलसरी नहीं है ठीक है ओके हाँ ऑर्डर में एक स्टार्ट में गड़बड़ हो गया कोई दिक्कत नहीं है उसकी वजह से बट स्टार्ट में एटी वन प्लस एटीन लिखना चाहिए था ताकि चीज़ें ऑर्डर में रहें लगातार हम नाइन नाइन कम करते जा रहे हैं ठीक है तो नेक्स्ट आएगा फोर्टी फाइव प्लस फिफ्टी फोर फिर आएगा थर्टी सिक्स

ये भी एक बहुत आसान सवाल था बहुत डुएबल क्वेश्चन था ऐसे क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी अगर इनमें से ऐसा एक भी क्वेश्चन है जो बहुत ईजी था और तुमने उसको मिस किया है तो बहुत बड़ा ब्लडर किया है क्योंकि ईजी क्वेश्चन को ही आइडेंटिफाई करके डेफिनेटली सॉल्व करना था उन्हीं को ही सॉल्व करना था उन्हीं को देना था पहले वन आर में हमें वो सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करने चाहिए थे जो बहुत ईजी और बहुत डुएबल थे ये मैंने डिस्कस भी किया था जब मैंने लास्ट में सेशन लिया था ठीक है आई बिलीव बातें समझ में आ रही होंगी कि हमें बहुत ईजी क्वेश्चन को पहले पिकअप करना था जो मुश्किल सवाल है उनको बाद के लिए रखना था अगर हमारे इजी क्वेश्चंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना हो रहा है उसका भी टाइम रहा है तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन थर्टी सेवन हाउ मेनी टाइम्स द आर हैंड इन अ मिनट हैंड कौन साइड इन अ क्लॉक बिटवीन टेन ए एम टू टू पी एम टेन ए एम से टू पी एम के बीच में स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है टेन ए एम से इलेवन ए एम के बीच में एक बार ठीक है टेन ए एम इलेवन ए ए एम टेन एलेवन ट्वेल्व वन टू टेन ए एम सेम के बीच में एक बार कौन साइड करेगा मिनट का हैंड और आर का हैंड 11 से 1 के बीच में एक्जैक्टली exactly एक बार ही कौन साइड करता है एक्जैक्टली exactly कब कॉन्साइड करता है 12 पीएम पे ठीक है 12 पीएम पे कौन साइड करेगा और फिर 1 से 2 के बीच में भी एक बार कौन साइड करेगा यानी कि टोटल 1 प्लस वन प्लस वन यानी किन्साइड करेगा आंसर विल बी ऑप्शन ए थ्री टाइम्स क्या बात क्लियर है ट्वेल्व आर्स में इलेवन टाइम्स कौन साइड करता है ठीक है और एक बार कॉन्साइड करने से दूसरे बार कॉन्साइड करने के बीच डिफरेंस कितना होता है दैट इज सेवन ट्वेंटी बाई इलेवेन मिनट्स क्या बात क्लियर है ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं, next question करते हैं। करते हमारा क्या है? है। तो के बाद में कैलेंडर रिपीट होगा तो प्लस सिक्स कर दोगे टू थाउजेंड थर्टी वन हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा क्लियर अदरवाइज कैसे करते हैं अदरवाइज जस्ट इन केस अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता है तो कैसे करोगे हालांकि ये पता होना चाहिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. बट 2025 से तुम ईयर कैलकुलेट करोगे ठीक है कितने टू ऐड करो 2029 में कितना ऐड करना है फोर ईयर एड करो बीच में एक लीप ईयर आ रहा है 2028 दिस इज द लीप ईयर तो लीप ईयर में टूयर का टू आर डेज का डिफरेंस पड़ेगा नॉर्मल ईयर में हमारा डिफरेंस पड़ता है वन एक्स्ट्रा डे का ठीक है, है? यानी कि एक दिन आगे बढ़ता है कैलेंडर और लीप ईयर में दो दिन आगे बढ़ता है तो टू थाउजेंड्व ट्वेंटी एट हमारा ली लीप ईयर है टू पे जाओगे तो फोर ईयर आगे जा रहे हो लेकिन तुम्हारा टोटल डिफरेंस कितने का आएगा फोर प्लस फाइव का कि फाइव डेज आगे चला जाएगा कैलेंडर सेम नहीं हो सकता सेम तब होगा जबकि या तो सेवन डेज आगे जाए या सेवन का कोई मल्टीपल नंबर ऑफ डेज आगे जाए सेवन डेज आगे जाएगा अगेन अगर संडे से संडे था 2025 में फर्स्ट जनवरी को तो 2000 जो भी ईयर होगा जब हमारे सेवन डेज आगे निकल जाएंगे तो वहां पर भी संडे ही पड़ेगा बिकॉज तो संडे से सेवन डेज आगे संडे ही आता है कैलेंडर सेम होगा बस कंडीशन ये होना चाहिए कि जो हमारा आंसर है दैट शुड ऑल्सो भी अ नॉन लीप ईयर कैलेंडर सेम कब होगा तो जबकि अगर हमारा टू एक नॉन लीप ईयर है तो जो आंसर है वो भी नॉन लीप ईयर होना चाहिए ठीक है बिकॉज लीप ईयर में कैलेंडर डिफरेंट आ जाएगा नंबर ऑफ डेज ही डिफरेंट है टू थाउजेंड नाइन तो आंसर नहीं है टू थाउजेंड थर्ट में एक और डे ऐड करोगे प्लस सिक्स हो जाएगा डे भी आंसर नहीं होगा टू थाउंडन में एक और ऐड करोगे प्लस सेन हो जाएगा इसमें विद आंसर और टू थाउजेंड थर्टी थ्री क्या है यहाँ पे एक और लीपे आ जाएगा टू थाउजेंडें थर्टी टू टू आगे जा रहे हो पर तीन आगे जाना पड़ेगा प्लस टेनगा यहाँ पे प्लस टेन होगा हो आंसर अपना ऑप्शन सी है क्या है बात है ठीक है ओके okay. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन लेट पी क्यू आर एन एस बी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स पी और क्यू ऑड है र और एस इवन है ठीक है आर और एस इवन है द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पहला स्टेटमेंट कह रहा है एक मल्टीपिकेशन प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के बारे में लिखा है कि इवन होना चाहिए देखो अगर हमें प्रोडक्ट को इवन बनाना है तो अगर एक भी नंबर हमारा इवन होगा एक नंबर इवन हो बाकी चाहे जितने ऑड हो रिजल्ट हमारा प्रोडक्ट हमेशा इवन ही आएगा प्रोडक्ट हमेशा इवन ही आएगा और अगर हमें प्रोडक्ट को ऑड बनाना है सारे के सारे ऑड होने चाहिए सब ऑड होने चाहिए अगर सब ऑड होंगे तो प्रोडक्ट हमारा ऑड आएगा तो अगर हम पी माइनस आर का स्क्वायर इंटू क्यू इन एस में देखें तो एस तो इवन है और अगर एक नंबर भी इवन है तो रिजल्ट तो इवन आएगा यानी कि ये करेक्ट है फिर सेकंड वाले क्यू माइनस एस इंटू क्यू स्क्स अगे एस इवन है एक भी इवन है तो इवन हो जाएगा सेकंड भी करेक्ट है यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है हमारे ठीक है इतना तो क्लियर है यानी कि या तो आंसर हमारा ऑप्शन ए है या फिर आंसर ऑप्शन डी है फिर बात करते हैं प्लस दैट इज ऑड ये लिखा हुआ है क्यू प्लस आर क्या होगा क्यू हमारा है ऑड और आर है इवन ऑड प्लस इवन आएगा ऑड और ऑड का स्क्वायर यानी ऑड इंटू ऑड ये भी रहेगा ऑड ठीक है और फिर से मल्टीप्लाई जो कर रहा है और पी है हमारा ऑर्ड एस है इवन ऑर्ड प्लस इवन अगेन होगा इन टू ऑर्ड रिजल्ट विल बी ऑर्ड यानी कि आंसर थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है तीनों ही सही है ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा क्या बात क्लियर ऑप्शन डी विल दंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आर हैंड बिटवीन द क्लॉक शोज फोर ट्वेंटी फाइव आवर्स फोर ट्वेंटी फाइव आवर्स स्टेट अव फार्मूला लगा सकते हैं फॉमूला विल बी थर्टी एच माइनस इलेवन बाई टू एम या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हो थर्टी एच सिक्सटी एच माइनस इलेवन है पूरा का पूरा डिवाइड बाई टू कर दे रहा हूँ ठीक है सॉल्व कर लेते हैं इसको क्या वैल्यू आ रहा है एच की जगह फोर रखना है थर्टी इंटू फोर माइनस एलेवन बाई टू इंटू ट्वेंटी फाइव तो दिस इज वन ट्वेंटी वन ट्वेंटी माइनस टू सेवेंटी फाइव बाई टू निगेट वैल्यू का टेंशन नहीं लेना है ठीक है सो दिस इज वन ट्वेंटी माइनस वन थर्टी सेवन पॉइंट फाइव तो माइनस पॉइंट फाइव बेसिकली सेवनटीन पॉइंट फाइव आंसर आ जाएगा बिकॉज एक्चुअल में दिस इज मॉड ये मॉडल में होता है तो पॉजिटिव साइन हमें लेना है एंगल का ऑप्शन सी आंसर होगा ठीक एक और अप्रोच देख लेते हैं इस क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से हो जाएगा फॉमला जस्ट इन केस बोलते हो या कन्फ्यूजन होता है तो फॉमले की ऐसे जमा ऐसे क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है फॉमला तुम्हारी चीजों को कंफर्टेबल करने के लिए याद आता है तो फिर से सॉ आता है बट फॉमला नहीं भी आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेसिकली क्या होता है कि जो आर हैंड है हमारा आवर हैंड की बात करें आवर हैंड का जो मूवमेंट होता है दैट इज पॉइंट डिग्री पर मिनट ठीक है और मिनट हैंड का मूवमेंट कितना होता है पूरा वन आवर में पूरा चला जाता है यानी कि सिक्स डिग्रीज पर मिनट ठीक है एग्जैक्टली फोर पी पे क्योंकि फोर की बात कर रहे हैं फोर पी पे एंगल क्या होगा हमारा फोर पी पे एंगल होगा कितना एंगल आएगा फोर पीएम पे एंगल आ जाएगा हमारा 120 डिग्री का है कि नहीं लेकिन एंगल हमसे क्या पूछ रहा है 425 ट्वेंटी पे एंगल पूछ रहा है और 425 पे क्या कहानी बनेगी हमारा जो मिनट वाला हैंड है वो तो 5 पे होगा आवर वाला हैंड होगा 4 से थोड़ा सा नीचे होगा कितना नीचे होगा आवर वाला हैंड फोर पे रहता है हालाँकि फोर ये ज़्यादा ऊपर बना दिया मैंने थोड़ा तो सा इमेज को करेक्ट कर देता हूँ ताकि बातें समझ तो मिनट हैंड रहेगा फाइव पे और आर हैंड फोर से नीचे रहेगा ठीक है कितना नीचे आएगा फोर से ट्वेंटी फाइव मिनट चल चुका है ठीक है मिनट हैंड फाइव ही है एग्जैक्टली फाइव पे है ठीक है तो अगर फोर पे होता तो कितना एंगल होता है दिस एंगल वुड हैव बीन थर्टी डिग्रीज़ का लेकिन 25 फाइव मिनट ट्रेवल कर चुका है और कहें ट्वेंटी फाइव मिनट में कितना ट्रैवल ट्वेंटी फाइव इंटू जीरो पॉइंट फाइव देखिए ट्वेल्व पॉइंट फाइव डिग्रीज ट्रेवल किया है और उतना ये सब ट्रैक करेंगे हम तो रिजल्ट कितना देगा थर्टी माइनस ट्वेल्व पॉइंट फाइव डिग्रीज पाँच सौ रुपये सेवनटीन पॉइंट फाइव क्या बात क्लियर है ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव यूज इन नंबरिंग टू सिक्सटी पेज बुक टू सिक्सटी पेज की बुक है और कितने फाइव आएंगे उसमें तो वन से लेके हंड्रेड तक पहले देख लेते हैं कितने फाइव आएंगे अकॉर्डिंगली सॉल्व कर लेंगे तो वन से लेकर हंड्रेड तक हमारा फाइव में फाइव आएगा फिफ्टी में आएगा सबसे पहले यूनिट डिजिट में चेक कर लेते हैं यूनिट डिजिट में कितने फाइव आने वाले हैं फाइव पे आएगा फिफ्टीन में आएगा ट्वेंटी फाइव पे आएगा थर्टी फाइव पे आएगा फोर्टी फाइव पे आएगा फिफ्टी फाइव पे आएगा सिक्सटी फाइव पे आएगा सेवेंटी फाइव एटी फाइव और नाइनटी फाइव तो ये कितनी बार फाइव आ गया हमारा टेन टाइम्स तो फाइव आ गया यूनिट डिजिट पर अभी फिलहाल के लिए फिफ्टी फाइव को होल्ड पर रखा बिकॉज अब देखेंगे टेंथ डिजिट वाले टेंस डिजिट में फाइव हमारा किस में आएगा सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जहाँ पे फिफ्टी फिफ्टी वन फिफ्टी टू फिफ्टी से लेके फिफ्टी नाइन तक आएगा यानी कि टेन फाइव आएंगे हमारे टेन फाइव आएंगे डिजिट पे, ढाई की जगह पे, यानी कि टेन प्लस टेन टोटल ट्वेंटी फाइव आ जाएंगे हमारे वन से लेकर हंड्रेड के बीच में ठीक है वन से लेके हंड्रेड के बीच में ट्वेंटी फाइव गए, सिमिलरली वन हंड्रेड वन से लेकर टू हंड्रेड के बीच में भी ट्वेंटी आ जाएंगे और फिर टू हंड्रेड वन से लेके हमें कहाँ तक जाना है हमें जाना है टू हंड्रेड वन से लेकर टू हंड्रेड तक जाना है कितने फाइव आएंगे तो टू हंड्रेड सिक्सटी के बाद कितने आने वाले हैं फोर आने वाले हैं 265, 275, 285, फाइव में है कि नहीं? तो बस इन फोर को कर दो, ट्वेंटी माइनस फोर दो तो आंसर आ जाएगा सिक्सटी माइनस फोर विच फिफ्टी सिक्स ऑप्शन क्लियर है ठीक है जस्ट इनकेस टू फिफ्टी पेज की बुक होती या टू फोर्टी पेज की बुक होती तब फिर थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ता हमको क्योंकि तो तब फिफ्टी फाइव वाला भी रिमूव करने वाले थे हम अगर टू फोर्टी तक जाते हम तब तो कितने रिमूव होते तब हमारा फिर फोर्टी फाइव वाला भी रिमूव होता और 55 वाला भी रिमूव होता तो यहाँ से हमारे कितने रिमूव हो जाते 11 इलेवन प्लस वन ट्वेल्व एक्स्ट्रा रिमूव हो जाते 16 रिमूव हो जाते बचते कितने सिर्फ शुरू के फोर बचते तो या चाहे तो रिमूव कर लेते या 200 से लेकर 240 तक के कैलकुलेट कर देते चार और ऐड कर देते तो 44 आंसर आया था हमारा क्लियर ठीक है चलो अगला क्वेश्चन वट द सम ऑफ द फर्स्ट ट्वेंटी टर्म्स इन द फॉलोइंग सीक्वेंस अब ये सीक्वेंस थोड़ा सा फंसाने वाला था अगर पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाए होगी तो कर पाए होगी अदरवाइज नहीं कर पाएगी तो शायद इसमें समय खराब किया होगा अपना चार पांच मिनट और फिर भी शायद पैटर्न आइडेंटिफाई कर पाएगा ठीक है देखते हैं यहाँ पे पैटर्न एक्जैक्टली है क्या पहले है वन देन आ रहा है वन टू फिर आ रहा है वन थ्री टू फिर आ रहा है वन फोर थ्री टू फिर आ रहा है वन फाइव फोर थ्री टू बेसिकली वन आ रहा है फिर वन और टू आ रहा है फिर आ रहा है वन टू थ्री बट ऑर्डर थोड़ा सा अलग है फिर आ रहा है वन टू थ्री फोर ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज वन के बाद वालों को रिवर्स में लिखा हुआ है देन आ रहा है वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि इसके बाद में आएगा वन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड सो ऑन ठीक है तो क्या बात क्लियर है तो इनिशियली आ गया वन ठीक है इसके बाद में दो टर्म्स आ रहे हैं दो टर्म्स आ रहे हैं ठीक है पहले वन टर्म आएगा पहले टर्म की बात कर लेते हैं टोटल टर्म हमें चाहिए कितना ट्वेंटी चाहिए पहले वन टर्म है पहले सीक्वेंस में फिर आएगा टू टर्म्स फिर आएंगे थ्री टाइम्स फिर आएंगे फोर टाइम्स फिर फाइव टर्म्स फिर सिक्स टर्म्स कितने हुए वन प्लस टू प्लस थ्री सिक्स प्लस फोर टेन प्लस ट्वेंटी वन व्वी वन सवन तो टोटल ट्वेंटी एट टर्म्स हो गए हमारे और पहला जैसे इसमें एक टर्म है उसमें आएगा वन इसमें दो टर्म है उसमें आएगा वन प्लस टू तीन टर्म में वापस हम आएगा वन प्लस टू प्लस थ्री फोर वाले में आएगा वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर ठीक है फाइव वाले में एंड सो ऑन वन से लेके फाइव तक आएगा सिक्स वाले में वन से लेकर सिक्स तक आएगा और सेवन वाले में वन से लेकर सेवन तक आएगा ओके okay? वन का सम आ जाएगा वन वन प्लस टू का सम आ जाएगा थ्री वन प्लस टू प्लस थ्री का आ जाएगा सिक्स नेक्स्ट में आ जाएगा सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस सिक्स ट्वेंटी वन और ट्वेंटी वन प्लस सेवन ट्वेंटी एट इन सबको हमें सम करना है तो आंसर आ जाएगा ट्वेंटी एट प्लस ट्वेंटी वन फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन प्लस फिफ्टीन सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर प्लस टेन सेवेंटी फोर प्लस टेन एटी फोर विल बी अवर आंसर ऑप्शन डी एटी फोर हमारा विल बी आंसर क्या बात क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी सेवन बाई थ्री आर्टिकल्स पी क्यू एंड आर फॉर रुपीज थ्री 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 जीरो करता है तीन आर्टिकल्स को ठीक है पी कॉस्ट करता है सबसे सबसे कम कितना है क्यू कॉस्ट कर रहा है ठीक है तो क्यू कॉस्ट कर रहा है लेटेस से हंड्रेड आर कॉस्ट करेगा ट्वेंटी परसेंट ज्यादा यानी कॉस्ट करेगा वन ट्वेंटी और पी कॉस्ट करेगा ट्वेंटी ज्यादा किससे आर से पी कॉस्ट करेगा ट्वेंटी फाइव परसेंट नहीं वन बाई फोर ज्यादा वन ट्वेंटी का वन बाई फोर कितना होगा थर्टी प्लस थर्टी एड कर दोगे देखिए वन फिफ्टी कॉस्ट करेगा पी ओके okay? ठीक है अब अगर इतना भी तुम समझ गए हो तो क्वेश्चन स्टेट में सॉल्व हो जाएगा टोटल सम कितना आ रहा है वन फिफ्टी प्लस हंड्रेड टू फिफ्टी प्लस वन ट्वेंटी थ्री सेवेंटी और पी की कॉस्ट है वन फिफ्टी आउट ऑफ थ्री सेवेंटी और पी की कॉस्ट निकाल ली वन फिफ्टी बाई थ्री सेवेंटी इंटू टोटल कॉस्ट कितना है थ्री 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 जीरो जीरो से गया जीरो थर्टी सेवन इंटू थ्री होता है ट्रिपल वन ठीक है कितना देखो ट्रिपल वन कितनी बार यूज हो रहा है पीछे भी एक क्वेश्चन में आया था थर्टी सेवन इंटू नाइन तो नाइनटी आ जाएगा 15 इंटू नाइटी डैट विल बी नाइन फिफ्टी वन थर्टी फाइव वन थ्री फाइव जीरो रुपीज रुपीस आंसर वन थ्री फाइव जीरो रुपीज डी क्या बात क्लियर है ठीक है ओके अदरवाइज हम क्या मानते हैं कि क्यू को ट्यू से आर ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है ट्वेंटी परसेंट यानी कि वन बाई फाइव ज्यादा है क्यू तो और आर रेशियो क्या आ जाएगा अगर क्यू फाइव है तो आर हो जाएगा सिक्स पी और क्यू में क्या है पी ट्वेंटी फाइव परसेंट ज्यादा है आर से ट्वेंटी फाइव परसेंट ज्यादा है आर से यानी कि वन बाई फोर ज्यादा है आर से तो अगर आर सिक्स है तो पी आ जाएगा वन पॉइंट फाइव एड कर दो सिक्स प्लस वन पॉइंट फाइव यानी कि सेवन पॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक है बात एक ही है बस ऐसे समझ लेते सिक्स प्लस फाइव एलेवन प्लस सेवन पॉइंट फाइव एटीन पॉइंट फाइव आ गया चाहो तो डबल कर लो ठीक है डबल करने पर चीजें आसान हो जाएंगी कि एटीन पॉइंट फाइव है पी है जबकि सेवन पॉइंट फाइव तो सेवन पॉइंट फाइव एटीन पॉइंट फाइव डेसिमल गया इन थ्री थ्री जीरो सॉल्व कर लोगे ठीक है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन द सम ऑफ टू डिजिट नंबर्स ए बी एंड सी डी इज थ्री डिजिट नंबर्स सी ई ए बी और सी डी को हमने ऐड किया रिजल्ट हमारा आ रहा है सी ई अब वाली बात है कि हमने सी में ए ऐड किया और रिजल्ट हमारा रिजल्ट में भी सी ही आ रहा है तो कैसे पॉसिबल है ये ठीक है कैसे पॉसिबल है यानी कि हमने सी में कितना ऐड किया होगा या तो जीरो करेंगे या तो जीरो ऐड करेंगे और या फिर टेन ऐड करेंगे तो फिर इन दो केसेस में तो सी आना पॉसिबल है ठीक है तो जीरो ऐड किया हो सी में तब सी आएगा या फिर टेन ऐड किया होगा तब सी आएगा लेकिन हमारा ये दोनों के दोनों नंबर्स क्या है टू डिजिट नंबर है तो ए जीरो तो नहीं हो सकता है ए के नॉट भी इक्वल टू जीरो तो ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है ठीक है यानी ये वाला केस तो ऊपर तो जीरो ही है उसके ठीक है बट ए हमारा जीरो नहीं हो सकता है ठीक है ए जीरो नहीं हो सकता है बिकॉज इन एनी केस सी में तो यही केस बन रहा है बट ए जीरो नहीं होगा ठीक है बेसिकली हमारा यहाँ पे मतलब क्या है ए की मैक्सिम वैल्यू हो सकती है नाइन बट अगर ए नाइन होता तो फिर सी में नाइन ऐड करके तो सी नहीं आता ठीक है इसका मतलब ये हो कि हमने सी में ऐड तो टेन ही किया है तो अगर नाइन है एजगोल टू तो नाइन ले रहे हैं हम तो कैरी कितना होना पड़ेगा वन तो कैरी आना पड़ेगा वन कैरी आना पड़ेगा वन हासिल आना पड़ेगा और वन हासिल तब आएगा जबकि बी प्लस डी थी हमारा टेन प्लस ई होगा ठीक है वन कैरी आ जाएगा तो वन प्लस नाइन टेन हो जाएगा बिल्कुल मैच कर जाएगा यानी एज मस्ट बी इक्वल टू नाइन ठीक है अब किसी का डाउट में आ सकता है दिमाग में डाउट आ सकता है एजल टू एट है दो कैरी ले लो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है बट दो कैरी लोगे कैसे क्योंकि बी प्लस डी है दो ही डिजिट एड करो दो ही तुम्हारे नंबर्स को ऐड करो डिजिट्स को ऐड करो बी प्लस डी को जोड़ के हमारा ट्वेंटी प्लस ई कैसे आ सकता है क्योंकि बी ऑडी मैक्सिमम नाइन हो सकता है एक तो ठीक है मैक्सिमम नाइन हो सकता है डिस्टिंग भी होने बट मान लो सेम भी होते तब भी मैक्सिमम हम एटीन आता ट्वेंटी प्लस ई तो तब भी नहीं आता तो यानी कि ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है दिस इज नॉट पॉसिबल ठीक है तो ए मस्ट बी इक्वल टू नाइन नाइन के अलावा कोई भी और केस पॉसिबल नहीं है ए जीरो हो नहीं सकता आंसर ऑप्शन ए होगा ठीक है अगर कोई कंडीशन गिवन नहीं होता टू डिजिट वाला चक्कर नहीं होता ए के बाद में कोई लेटर से कुछ और भी होता ठीक है फॉर एग्जाम्पल मान लो टी ए बी प्लस सी डी होता ठीक है और रिजल्ट में हमारा मान लो वन की बजाय कुछ और आ रहा था यहां पे क्यू आ रहा था और फिर सी आ रहा है और ई e आ रहा है ठीक है थ्री जी हमारा आ रहा है क्यू सी ई और फिर हमसे ए के बारे में पूछा होता और कोई कंडीशन नहीं होता कि यहां पे जीरो नहीं हो सकता है यानी कि जीरो होना भी पॉसिबल होता ठीक है तो क्योंकि टू जी नंबर था इसलिए जीरो नहीं हो सकता जीरो होना पॉसिबल नहीं था बट यहां पे अब अगर थ्री जी नंबर है हमारा तो फिर तो ए जीरो हो सकता है ना कोई दिक्कत नहीं है ए कैन भी इक्वल टू जीरो यहां पे एज गोल्ड जीरो का केस भी बनता और एज टू नाइन वाला केस भी बनता तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा एज गोल्ड जीरो और नाइन दोनों बनता और आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाता कैन नॉट बी टमाइंड क्योंकि ए जीरो भी हो सकता है और डी भी हो सकता है बट वो तब होता है जबकि थ्री डिजिट नंबर होता है टू डिजिट टू डिजिट नंबर हमारा बनेगा ही तब जब कि ए जीरो नहीं हो तो ए मस्ट भी इक्वल टू नाइन फॉर श्योर क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री नंबर्स एंड आर नंबर फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट

ठीक है तो एक्स इस ग्रेटर टू वाई टू वाई ग्रेटर थ्री जेड थ्री जेड से तो हम जेड से स्टार्ट करते हैं और क्योंकि सबसे छोटू वैल्यू हम जेड को मान लेते हैं ठीक है क्योंकि थ्री जेड सबसे छोटा है तो जेड तो वैसे ही सबसे छोटा होगा जब थ्री जेड सबसे छोटा है तो जेड तो छोटा होना ही होना है ठीक है बिकॉज थ्री जेड छोटा किससे है टू वाई से अगर फोर वाई से छोटा हो तो बात अलग होती है बट एक्स इज ग्रेटर देन टू वाई एक्स अकेला टू वाई से और टू वाई थ्री जेड से बड़ा है, है। यानी कि सबसे छोटा वैल्यू जेड आएगा तो जेड को हमने मान लिया वन अगर जेड आ गया वन जेड आ गया वन तो डेफिनेटली हमारा थ्री जेड कितना आएगा थ्री जेड आ जाएगा वन इंटू थ्री थ्री आ जाएगा और थ्री अगर छोटा होना है टू वाई से तो फिर हमारा वाई वन तो नहीं हो सकता ठीक है वाई वन तो नहीं हो सकता है यानी कि वाई की मिनिमम वैल्यू भी होगी तो टू होगी टू पर फोर आ गया फोर आ गया अब फोर छोटा है किससे एक्स से तो एक्स हमारा फाइव हो सकता है या फिर एक्स सिक्स भी हो सकता है या फिर एक्स सेवन भी हो सकता है ठीक है यानी कि एक्स के लिए तीन केसेस बनेंगे ठीक है जब वाई टू है और जेड वन है यानी कि हमारा एक केस आएगा फाइव टू वन और एक्स फाइव एंड जेड एक केस आएगा सिक्स टू वन और एक केस आएगा सेवन टू वन तीन केसेस तो आ गया यानी कि ऑप्शन वन या ऑप्शन ए अभी तो आंसर नहीं है अभी चौथा केस भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ठीक है तो ये तो ये हमारा केस बन गया जबकि हमने जेड को लिया है ओके okay? अभी जेड को वन लेते हुए क्या हम वाई को बढ़ा सकते हैं वाई को टू की बजाय थ्री कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं तो वाई इज थ्री लेते हैं और जेड को रखते हैं वन तो जेड इज वन थ्री आ गया इज टू वाई आ जाएगा थ्री रखने पर सिक्स सिक्स शुड बी लेस देन सेवन यानी कि सेवन थ्री वन भी हमारा एक ट्रिपलेट बन गया ये सारे ट्रिपलेट का बने जबकि हमारा जेड इज गोड वन है अब जेड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं अब अगर हमने जेड को टू रख दिया अगर जेड टू है तो थ्री जेड आ जाएगा सिक्स और सिक्स को छोटा होना है किससे टू वाई से टू वाई, वाई से छोटा होना है ठीक है तो टू वाई को क्या होना चाहिए वाई को हम क्या रख सकते हैं यहाँ पे फोर रख सकते हैं वाई को फोर रख दिया टू वाई आ जाएगा एट बट एट को छोटा होना है एक्स से लेकिन एक्स हमारा मैक्सिमम सेवन हो सकता है तो नॉट पॉसिबल कोई केस नहीं बनेगा यहाँ पे डेफिनेटली हमारे इतने ही सोल्यूशन बनेंगे फोर ही बनेंगे ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा क्लियर है ठीक है हाँ स्टार्ट करने को तुम से भी स्टार्ट कर सकते थे कोई प्रॉब्लम नहीं था सेम स्टोरी रहता से भी स्टार्ट कर सकते थे ठीक है एक ऑर्डर में करना होता है बस ये चीज ध्यान रखनी होती है हमेशा ऑर्डर में करोगे कभी भी गलती नहीं होगी कोई केस मिस नहीं होगा तुमसे कभी भी गलत आंसर मार्क नहीं होगा ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन फिफ्टी द टोटल कॉस्ट ऑफ फोर ऑरेंजेस सिक्स मैंगोज एंड एट एप्पल फोर ऑरेंजेस प्लस सिक्स मैंगोज प्लस एट एप्पल्स का जो टोटल कॉस्ट है दैट इज इक्वल टू टू टाइम ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज ठीक है प्लस टू मैंगोज ऑरेंज को इसलिए साइन ओ ओ की वजह ऐसा बना रहे हैं क्योंकि ओ बनाने में जीरो जैसा लगने लगता है प्लस टू एम प्लस फाइव एप्पल्स तो दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑरेंज का कॉस्ट प्लस फोर टाइम्स मैंगो का कॉस्ट प्लस टेन और एप्पल का कॉस्ट अब ये दोनों इक्वल है ठीक है दोनों इक्वल है फोर ऑरेंज प्लस सिक्स मैंगो प्लस एट एप्पल तो टू ऑरेंज को इधर लेके चले गए फोर मैंगो के इधर लेके चले गए सो दिस इज फो ऑरेंज माइनस टू ऑरेंज दैट इज टू ऑरेंज प्लस सिक्स मैंगो माइनस फोर मैंगो दैट इज ऑल्सो टू मैंगो एंड टेन एप्पल माइनस एट एप्पल विल बी टू एप्पल ऑरेंज प्लस मैंगो का कॉस्ट इज इक्वल टू एपल का कास्ट ठीक है सेकेंड वाला स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं टोटल कॉस्ट ऑफ वन ऑरेंज वन मैंगो इज इक्वल टू कास्ट ऑफ वन एपल दैट इज एब्सलूटली करेक्ट सेकेंड वाला तो सही है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं टोल कॉस्ट फ्री ऑरेंज प्लस फाइव मैंगो एंड नाइन एपल थ्री ऑरेंज इसको भी लिख लेते हैं थ्री ऑरेंज प्लस फाइव मैंगो प्लस नाइन ऐप्पल एंड दैट इज इक्वल टू फोर ऑरेंज प्लस सिक्स मैंगो प्लस एट एप्पल ठीक है अच्छा यही सेम ही तो बन रहा है ओके एनी वे फोर को इधर लेके आ गया तो दिस इज नहीं फोर को इधर लेके नहीं आया उल्टा करते हैं थ्री ऑरेंज को उधर लेके गए और फाइव मैंगो को भी उधर लेके गए और एट एप्पल को इधर लेके आ गए तो एप्पल का कॉस्ट इज इक्वल टू वन मैंगो का कॉस्ट प्लस वन ऑरेंज का कॉस्ट दिस इज करेक्ट यही तो हमारा रिजल्ट निकला था और यही आ रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में भी तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है ठीक है कि अगर हमारा मैंगो एक मैंगो और एक एप्पल का कॉस्ट इज इक्वल टू एक और एक एक मैंगो एक ऑरेंज का कॉस्ट इज इक्वल टू एक एप्पल का कॉस्ट डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट आएगा यही आया आए है रिजल्ट तो यही ऑलरेडी हमने स्टार्ट में निकाल ही हुआ है डेफिनेटली फर्स्ट एडमिट करके सेकंड करके दोनों करेक्ट okay. है ऑप्शन डी ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा बोथ वन एंड टू आर करेक्ट ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी टू टू पार फाइव प्लस ट्वेंटी बाई बिच नंबर थर्टी टू टू पार फाइव प्लस टू टू दावर ट्वेंटी सेवन इस नंबर से डिविजिबल होगा थर्टी टू हो जाता है हमारा

पी प्लस क्यू है इक्वल टू के क्वेश्चन इज सेइंग व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के दैट इट डज नॉट डिटरमाइन पी एंड क्यू यूनिकली के ऐसी सबसे छोटी वैल्यू चाहिए जिससे कि हम पी और क्यू को यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर पाए यानी कि पी और क्यू के एक से ज्यादा सोल्यूशन आ जाए पी और क्यू के एक से ज्यादा सोल्यूशन आ जाए ठीक है और हमें कंडीशन क्या है पी छोटा है क्यू से और पी प्लस क्यू आ रहा है के ओके okay? अगर हम थ्री देखें ऑप्शन ए देखें सबसे छोटी वैल्यू देखते हैं क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू ही चाहिए तो स्मॉलेस्ट ऑप्शन से ही चलेंगे हम ठीक है ऑर्डर इंपॉर्टेंट है स्मॉलेस्ट ऑप्शन से ही चलेंगे बड़े से ऑप्शन से नहीं चलेंगे बड़े ऑप्शन में आंसर गड़बड़ हो जाएगा ठीक है बिकॉज अगर सिक्स सेटिसफाई कर भी रहा हो कंडीशन को तो भी हमें सबसे छोटा वैल्यू चाहिए तो हो सकता है सिक्स भी कर रहा हो उससे छोटा और भी कोई वैल्यू करेगा तो वो भी हमारा आंसर होगा इनफैक्ट वही हमारा आंसर होगा बिकॉज हमें स्मॉलेस्ट वैल्यू चाहिए ठीक हो चेक करते हैं थ्री अगर हमारा समार है के इज गोल्ड थ्री रखोगे तुम तो वन और टू आ जाएगा वन प्लस टू इज थ्री और क्योंकि पी लेस देन क्यू है तो डेफिनेटली पी और क्यू का एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा वन और टू बिकॉज पी विल बी वन क्यू विल बी टू की कॉम्बिनेशन है यानी कि ए तो आंसर नहीं है फोर होगा तो पी और क्यू क्योंकि अनइक्वल है अनइक्वल है इक्वल नहीं हो सकते तो टू और टू होना पॉसिबल नहीं है अगर फोर होता तो टू प्लस टू तो हो नहीं सकता था वन प्लस थ्री हो सकता था यहाँ भी एक ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कोई तो भी आंसर नहीं हो सकता फाइव पे जाओगे फाइव सम चाहिए तो फाइव कैसे कह -कैस सकता है टू प्लस थ्री से आ सकता है वन प्लस फोर से आ सकता है और दोनों ही केसेस हमें सॉल्यूशन बन जाएगा पी और क्यू के लिए तो दोनों ऑप्शन पॉसिबल है तो दिस इज नॉट यूनिक यूनिक नहीं है तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा हमारा एक से ज्यादा केसेज आ रहे हैं अच्छा सिक्स बी सेटिफाई करेगा बट सिक्स स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं होगा ठीक है फाइव स्मॉलेस्ट है और तो हमें आंसर करना है स्मॉलेस्ट तो डाउट में ये नहीं रखना है कि सिक्स में भी करोगे तो वन प्लस फाइव आएगा ठीक है, है? यानी कि पी वन आ गया ट्यू फाइव आ गया टू प्लस फोर आएगा तो यहाँ पे भी यूनिक वैल्यू नहीं आ रही है एक से ज्यादा वैल्यूज आएंगी बट एक की मल्टीपल वैल्यू वैल्यूफाटली मेनी वैल्यूज हो सकती है सबसे छोटी वैल्यू फाइव आएगी दिस इज द स्मॉलेट वैल्यू दैट इज माई आंसर विल बी ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन अ पर्सन वॉक्स हंड्रेड मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस तो अपने तो तो घर से हंड्रेड मीटर स्ट्रेट वॉक करता है तो 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 से दिस इज हाउस जाता है स्ट्रेट ओके देन टर्न्स लेफ्ट लेफ्ट यानी कि हमेशा जब भी हमें लेफ्ट करना हो लेफ्ट विल बी एंटी क्लॉक वाइज क्लॉक के उल्टे डायरेक्शन में होगा और राइट right हमेशा वैसे तो ईजी है समझना ठीक है अपने आपको तुम तो मूव करा रहे हो वैसे समझो तो तुम्हें तो लेफ्ट और राइट right दोनों समझ में आएगा बट वैसे भी लेफ्ट हमेशा एंटी क्लॉक वाइज है और राइट right हमेशा क्लॉक वाइज होगा घड़ी जिस डायरेक्शन में चल रही है वहां पर राइट होगा लेफ्ट होगा एंटीग्रकोस ठीक है तो हंड्रेड मीटर्स के बाद में लेफ्ट टर्न करता है और हंड्रेड मीटर्स लेफ्ट जाता है ओके देन अगेन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स थ्री हंड्रेड मीटर्स थ्री हंड्रेड मीटर्स जा रहा है तो पहले हंड्रेड चला दिया हमने उसको ठीक है देन टू हंड्रेड और चला दिया ओके नेक्स्ट अगेन वो टर्न करता है राइट right और फिर वॉक करता है हंड्रेड मीटर्स टू रीच इज ऑफिस ओके दिस इज इज ऑफिस और इन विच डायरेक्शन डज ही वॉक इनिशियली फ्राम इज हाउस इफ इज ऑफिस इज एक्जैक्टली इन द नार्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफिस कहाँ है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है लेकिन दिस डायरेक्शन दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन दिस इज नॉर्थ ईस्ट दिस इज नॉर्थ ईस्ट दिस विल बी नॉर्थ एंड दिस विल बी ईस्ट दिस विल भी वेस्ट एंड दिस डायरेक्शन विल भी साउथ सबसे पहले वो किस डायरेक्शन में गया साउथ के डायरेक्शन में गया आंसर विल भी ऑप्शन कुछ कन्फ्यूजन हो सकता है कि नॉर्थ हमने नीचे को रखा ईस्ट को इस डायरेक्शन में रखा बिकॉज नॉर्थ से ईस्ट जो है टॉप वाइज होगा ठीक है अदरवाइज कन्फ्यूजन हो तो क्या करोगे कि फिर एक डायरेक्शन बना के स्टार्ट करोगे ठीक है अगर फिर भी कंफ्यूजन आता है तो एक डायरेक्शन बना के स्टार्ट करोगे क्या बात क्लियर है ठीक है अदरवाइज तुम्हारे पास शीट भी है तुम तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन पेपर है उसी में जहाँ पे रफ वर् करना है या फिर अपने क्वेश्चन पेपर उस क्वेश्चन के ऊपर ही वहीं कर करो तो अपने शीट को पलट के देख लो नॉर्थ को अपवर्ड्स कर लो ताकि चीज़ें आसान हो जाए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चीज़ें आसान हो जाएंगी ठीक है अदरवाइज क्लॉक होता है एन ई एस डब्ल्यू क्लियर है तुम पलट लोगे पलट के इजीली हो जाएगा वरना तुम दोबारा करोगे दोबारा कैसे करोगे दोबारा करके नॉर्थ ईस्ट में रखना पड़ेगा लास्ट में तो चीज़ों को करने में थोड़ा सा समय लगेगा बट अगर ये बात समझ जाओगे तो फट से हो जाएगा तो ऐसे कर लो अपने क्वेश्चन पेपर को ही रोटेट करा लो या फिर समझ जाओ बात को ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन वॉक्स हंड्रेड मीटर वेस्टवर्ड देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स हंड्रेड मीटर्स सबसे पहले वेस्टवर्ड जाता है नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट सबसे पहले गया हंड्रेड मीटर्स वेस्टवर्ड ओके देन ही वॉक्स टर्न्स लेफ्ट

ये एक्शन आ जाएगी एंड दिस इज नथिंग बट नॉर्थ ईस्ट आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन डी ऑप्शन डी विल बी में क्या बात क्लियर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दिस इज़ अ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट इज गिवेन फॉलोड बाई टू कंक्लूजन नंबर्स वन एंड टू स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है फाइन तो स्टेटमेंट को तो ट्रू मानना है स्टेटमेंट इज ट्रू फाइन कंक्लूजन वन कह रहा है इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मिल्क क्या हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं देखो तो ऐसा जरूरी नहीं है वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया हो सकता है बट फिर भी हो सकता है सारा का सारा जो प्रोडक्शन है वो सारा का सारा इंडिया में ही कंज्यूम हो जाता हो ये पूरा कपड़ा डोमेस्टिक कंजम्पशन में ही खर्च हो जाता हो जरूरी थोड़ी है कि एक्सपोर्ट भी करता हो ठीक है जरूरी थोड़ी है तो कंक्लूड नहीं कर सकते राइट कंक्लूज सेकेंड कंक्लूजन है इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क इंडिया डज नॉट इंपोर्ट मिल्क यह भी कंक्लूड नहीं कर सकते domestic consumption, production हो सकता है डोमेस्टिक कंजम्पन प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा दुनिया में बट फिर भी हो सकता है डोमेस्टिक कंजप्शन उससे भी कहीं ज्यादा हो तो प्लस इंपोर्ट भी करना पड़ता हो यह भी पॉसिबल है तो so, यह भी कंक्लूड नहीं कर सकते फर्स्ट कंक्लूड कर सकतेलू कर सकते आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी नीदर कैन भी कंक्लूडेड क्या बात ठीक है समझ में आती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन

ठीक है अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट मालूम सफिशियंट आ जाता है बट सेकंड वाला नॉट सफिशेंट है यानी कि फर्स्ट से तो सॉल्व कर पा रहे हो सेकंड से नहीं कर पा रहे हो ठीक है सेकंड से नहीं कर पा रहे हो यानी कि हमारा आंसर उस केस में क्या होगा उस केस में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए आ जाएगा सिमिलरली फर्स्ट से नहीं कर पा रहे हो यानी कि फर्स्ट है नॉट सफिशेंट सेकंड है सफिशेंट यानी कि तब भी ऑप्शन ए आंसर होगा कि क्वेश्चन कैन भी आंसर्ड बाई यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स बट कैन नॉट भी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट ठीक है बट दोनों सफिशियंट है अकेले अकेले अपने आप में यानी किसी भी एक स्टेटमेंट से कर सकते हो सॉल्व फिर ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड यूजिंग इधर स्टेटमेंट बट दोनों अपने आप में नॉट सफिशेंट है और दोनों को तुमने मिला दिया फर्स्ट सेकंड को मिला दिया और मिला के सफिशियंट हो जा रहे हैं इन दैट केस ऑप्शन सी आंसर होगा मिला के सफिशियंट हो गए दोनों अकेले नॉट सफिशेंट है और मिलाने के बाद भी सफिशियंट नहीं है तब भी कैन नॉट बी डिटरमाइंड तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ठीक है सो दिस विल बी द प्रोसेस ऑफ ऑल दीज क्वेश्चन अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ओके okay. ठीक है तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ एम एंड एन वेर एम एंड एन आर नेचुरल नंबर्स तो एम और एन की वैल्यूज क्या होंगी हमें पता लगाना है नेचुरल नंबर है, है और एम प्लस एन एम एन से भी बड़ा है एम प्लस एन एम एन से भी बड़ा है ओके तो एम और एन की क्या वैल्यूज से हमने वैल्यूज लेते हैं एम को लिया हमने एम एन से बड़ा है तो एम को लिया मान लो थ्री एन को ले जाए टू so तो थ्री प्लस टू आ जाएगा फाइव फिर इंटू टू आ जाएगा सिक्स अब फाइव तो लेस देन सिक्स आ रहा है ग्रेटर देन तो नहीं आ रहा है तो यानी कि ये तो ऐसा तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है कोई और वैल्यू लेते हैं अगर मैं लिया फोर और वन अगर हमने एन को लिया है फोर और एन को लिया है वन ठीक है तो फोर प्लस वन आ जाएगा फाइव और फोर इंटू वन आ जाएगा फोर फाइव इज ग्रेटर देन फोर यानी कि ये तो सेटिस्फाई कर रहा है ये सेटिस्फाई कर रहा है यानी कि दिस विल सेटिस्फाई बेसिकली जब भी हमारा एन इज इक्वल टू वन होगा वेन एवर एन इज इक्वल टू वन

पॉसिबल है यूनिक सोल्यूशन निकालना ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा क्लियर ठीक है एक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं वॉट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड द सॉफ्टवेयर दैट इज द क्वेश्चन अब टाइम रिक्वायर्ड टू डाउनलोड निकालना है या तो एग्जैक्टली हमें टाइम गिवेन्यू गि यू हो तो फिर तो निकालना ही क्या है या फिर ऐसा हो कि हमें साइज की हो जिस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है उसका साइज की हो और स्पीड गिवे डाउनलोड स्पीड गिवेन हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट साइज दे रहा है तो अकेला तो सफिशियंट नहीं है अकेले साइज से पता नहीं चलेगा सेकंड स्टेटमेंट ट्रांसफर रेट दे रहा है स्पीड दे रहा है अकेला ये भी सफिशेंट नहीं है बट दोनों को मिला लोगे तो सफिशेंट है यानी कि ये सबसे आसान सवाल है इस पेपर का एक तरह से क्वेश्चन कैन भी आंसर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स बट कैन नॉट भी आंसर्ड यूजिंग इदर स्टेटमेंट अलोन नेक्स्ट क्वेश्चन वट आर द यूनिक वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई वेर एक्स एंड वाई आर डिस्टिंग एक्स और वाई की यूनिक वैल्यूज पता करनी है जो कि एक्स और वाई नेचुरल नंबर्स है एक्स अपॉन वाई इज ऑड स्टेड में वन कह रहा है एक्स अपन वाई इज ऑड प्रोडक्ट से हमने लिया फिफ्टीन और थ्री फाइव आ गया तो एक्स फिफ्टीन हो सकता है वाई थ्री हो सकता है या फिर फिफ्टीन बाई फाइव ले लो एक्स फिफ्टीन हो गया वाई फाइव हो गया ऐसे इन्फाइनेटली मेरे सोल्यूशन हो सकते हैं जहां पे एक्स अपन वाई ऑड हो तो सिर्फ और सिर्फ इतने से तो कुछ भी काम नहीं चलेगा दिस इज नॉट सफिशेंट ये अगलाफिशेंट नहीं है से रहा है एक्स इन वाई इस ट्वेल्व एक्स इन वाई इज ट्वेल्व तो दो नंबर से इसका कि प्रोडक्ट हमारा ट्वेल्व आ रहा है वन और ट्वेल्व हो सकते हैं टू और सिक्स हो सकते हैं थ्री और फोर हो सकते हैं अगेन यूनिक वैल्यू यहाँ से नहीं मिलने वाला तो अकेला ये स्टेटमेंट भी सफिशियंट नहीं है बट दोनों को मिला दिया हमने हमें तो पता है प्रोडक्ट ट्वेल्व आ रहा है और हमें चाहिए ऑड ऑड चाहिए x into y 12 है, x by y odd चाहिए है ठीक है सो तो क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं अगर वन है ट्वेल्व पर लिया हमने तो ट्वेल्व बाई वन ये तो ट्वेल्व आ रहा है ऑड नहीं है इवन है ठीक है तो इससे सॉल्यूशन मिलेगा नहीं सिक्स बाई टू इज थ्री यहां से सोल्यूशन मिल रहा है और फोर बाई थ्री तो ही नहीं आ रहा है यानी कि सिक्स और टू ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी एक्स बाई वाई ऑड होना था यानी कि X is equal to 6 है 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 ठीक यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है क्या बात कह रहे हैं ठीक है बिकॉज एक्स बाई वाई क्लियर ऑर्डर था ठीक है तो दैट इज वाई हमारा सफिशियंट है दोनों सेट में मिला के ऑप्शन सी फिर विधि आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अ सर्टेन अमाउंट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एक्स वाई एंड जेड एक्स और वाई एंड में हमने एक सर्टेन अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है क्वेश्चन पूछा हु रिसीव द लीस्ट अमाउंट अमाउंट क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट यह किसको सबसे कम मिल रहा है सेट वन कह रहा है एक्स रिसीव्ड फोर बाई फाइव ऑफ वॉट वाई एंड जेड टुगेदर रिसीव्ड एक्स को क्या मिल रहा है फोर बाई फाइव फोर बाई फाइव वट वाई एंड जेड टुगेदर रिसीव यानी कि वाई और जेड को अगर मिला के मिल रहा है फाइव फाइव रुपीज़ मिल रहा है तो एक्स को मिलेगा फोर रुपीज़ ये तो मतलब हुआ ठीक है बट वाई और जेड को मिलने से एक्स का जो है वाई और जेड का तो टोटल अमाउंट है उससे एक्स का अमाउंट कम है लीस थोड़ी है ऐसा हो सकता है कि वाई को वन मिल रहा हो और जेड को फोर मिल रहा हो या तो वाई को टू मिल रहा हो जेड को थ्री मिल रहा हो डिपेंड करेगा तो कैन नॉट इट ठीक है तो अकेला तो सफिशिएंट नहीं है स्टेटमेंट एन वन सेवन टू कह रहा है वाई रिसीव टू बाई सेवन ऑफ वॉट एक्स एंड रिसीव यानी कि वाई को मिला होगा टू रुपीज अगर एक्स और जेड को मिला के मिला है सेवन रुपीज मिला के मिला है सेवन रुपीज अगेन वाई को टू रुपीज मिला हो सकता है एक्स को वन ही रुपी मिलाओ जेड को सिक्स मिलाओ तो यहां से भी हम सफिशेंटली पता नहीं लगा सकते कि वाई को सबसे कम मिला हो कि नहीं मिला हो, हो सकता है मिलाओ हो? हो सकता है नहीं मिलाओ कैनॉट बी अर माइंड लेकिन नॉट सफिशेंट होगा यहाँ भी दोनों को मिला दिया अभी दोनों ही ट्रू है ठीक है अगर एक्स को मिला है फोर वाई प्लस जेड को मिला है फाइव यानी कि नाइन टोटल हो गया अमाउंट अगर एक्स को वाई को मिलाए है टू एक्स प्लस जेड को मिलाए सेवन टोटल हो गया दोनों केस में टोटल नाइन आ रहा है यानी कि हम चीजों को फर्स्ट और तो सेकंड को मिला के कम्पेरेबल बना सकते हैं अदरवाइज यहां पे जो वैल्यू आती है और यहाँ जो वैल्यू आती है दोनों का हम मल्टीप्लीकेशन कर लेते और उससे एक्स वाई और जेड के लिए रेशियो में वैल्यूज निकाल लेते ठीक है टोटल अमाउंट हमने मान लिया नाइन तो एक्स को मिला होगा फोर वाई प्लस जेड को मिला के मिला होगा फाइव लेकिन वाई को मिला होगा टू और जेड को मिला होगा थ्री ठीक है एक्स को मिला फोर वाई और जेड को मिला के मिला है फाइव या फिर वाई को मिला टू और एक्स और जेड को मिला के मिला है सेवन फाइन ठीक है तो इस केस में हमें दिख रहा है कि अगर टोटल अमाउंट हमारा नाइन रुपीज होता तो एक्स को मिला होता है फोर रुपीज वाई को मिला होता टू रुपीज को मिला होता थ्री रुपीज अमाउंट हमारा क्या है ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है अमाउंट कुछ भी हो सकता है अमाउंट नाइन का कोई भी मल्टीपल सकता है नाइन के होगा कोई भी मल्टीपल हो सकता है बट ये श्योर है कि वाई को सबसे कम अमाउंट मिला होगा टू रुपीज मिनिमम अमाउंट मिला होगा रेशो में ठीक है तो एक्स वाई और जेड का जो अमाउंट का रेशो दट इज फोर इश टू थ्री मिनिमम है वाई का मैक्सिमम है एक्स का तो यहाँ से दोनों सेट के हम सफिशियंट आंसर कर सकते हैं ऑप्शन सी आंसर क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज मार्क्स इन द क्लास आर 60, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास अगर एवरेज मार्क्स हमारे क्लास में 60 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में क्या नंबर स्टूडेंट तो पर कोई तो डेटा गिवन होगा तब तो हम निकाल पाएंगे नंबर स्टूडेंट क्या है स्टेड वन कह रहा है हाइएस्ट मार्क्स है सेवेंटी लोएस्ट मार्क्स है फिफ्टी हाइस्ट और लोएस्ट मार्क्स पता लग जाने से हम क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लगा सकते हैं क्या पता लग सकता है नहीं पता लग सकता तो ये तो सफिशेंट नहीं है सेकंड एक्सकूजन ऑफ हाइएस्ट और लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंज द एवरेज एवरेज नहीं बदलता यानी कि तुमने दो स्टूडेंट के मार्क्स हटा दिए इसके बाद एवरेज चेंज नहीं हो रहा है लेकिन बचे हुए स्टूडेंट कितने हैं इसके बारे में तो कुछ भी जानकारी नहीं मिल रही है तो सेकंड स्टेटमेंट में अकेला सफिशेंट नहीं है बेसिकली पहला स्टेट में क्या कह रहा है हाइएस्ट है सेवेंटी लोएस्ट है फिफ्टी दोनों का सम कितना आ रहा है वन ट्वेंटी दोनों का सम आ रहा है वन तो एवरेज क्या रहा है एवरेज हाइस्ट लोएस्ट का मिला के भी सिक्स आ रहा है पूरी क्लास का भी सिक्सटी है ठीक है यानी कि हाईएस्ट स्टोर्स को हटाने के बाद भी तो एवरेज चेंज नहीं हो रहा है पहला स्टेटमेंट में दूसरे स्टेटमेंट में फर्क है बस एक ही बात कहने के दो तरीके हैं एक ही बात कहने के दो तरीके हैं सेकंड सेटमेंट तो ये कराइट और लोएस्ट का जो एवरेज है वो भी सिक्सटी है यानी कि सम वन ट्वेंटी है तो यानी कि दोनों स्टेटमेंट अकेले के भी सफिशेंट है जब दोनों स्टेटमेंट सेम बात कह रहे हैं सेम चीज कह रहे हैं तो मिला के भी कैसे सफिशेंट होंगे क्योंकि तो दोनों जब एक ही बात करें दोनों को मिलाना इज एज गुड एज अकेला एक स्टेटमेंट तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा यू कैन नॉट भी आंसर्ड इवन आफ्टर यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देयर आर थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव प्राइम नंबर्स नंबर्स थ्री प्राइम प्राइम सम इज आल्सो अ नंबर तो तीन प्राइम नंबर्स हैं नंबर है P1, P2, थ्री और उनका जो सम आ रहा है दैट इज ऑल्सो प्राइम नंबर अब सोच के बताओ अगर तीन प्राइम नंबर को जोड़ के हम एक प्राइम बना रहे हैं तो क्या उनमें से कोई एक प्राइम टू हो सकता है भाई अगर एक नंबर टू होगा तो बचे हुए दोनों प्राइम ऑड होंगे क्योंकि तो सिर्फ टू ही अकेला एक प्राइम नंबर है जो कि इवन है ठीक है तो अगर टू प्लस थ्री प्लस फाइव करोगे तो आएगा एट बेसिकली तुम अगर एक प्राइम को टू ले लेते हो तो बचे हुए दोनों प्राइम जो तुम्हारे होंगे उनको ऐड करने के बाद में तुम्हें इवन ही मिलने वाला है यानी कि टू तो नहीं होगा डेफिनेटली जो प्राइम नंबर है सारे के सारे प्राइम तुम्हारे टू से बड़े होंगे ठीक है क्वेश्चन पूछा व्हाट आर दो थ्री नंबर्स ये तीनों नंबर्स होंगे क्या क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं सकते हैं अगर सम ही ट्वेंटी थ्री से कम आ रहा है तो प्राइम हो सकते हैं टू है, तो हो ही नहीं सकता थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवेंटी हालांकि सेवनटीन होना नहीं बिकॉज तीन प्राइम को एड करो सेवेंटी अकेला ही इतना बड़ा है इसके बाद सबसे छोटे प्राइम भी ले तो सेवेंटी प्लस थ्री प्लस फाइव तब भी ट्वेंटी थ्री से बढ़ा जाता तो सेवनटीन भी एक्चुअल में होगा नहीं ठीक है थ्री से लेकर थर्टीन तक कॉम्बिनेशन हमें बनाने पड़ेंगे ओके अगर हम लेते हैं थ्री प्लस फाइव प्लस सेवन तो आ रहा है फिफ्टीन ये तो नहीं हो सकता ठीक है अगर तुम लेते हो थ्री प्लस फाइव पहले दो को फिक्स रखो थ्री और फाइव ही रखो ठीक है तीसरे को बड़ा करो हमेशा एक ऑर्डर में चलो अदरवाइज गलती करोगे ठीक है पहले दोनों को फिक्स रखो बस तीसरे को चेंज करो और जैसे ही तीसरे को चेंज करने के बाद सम तुम्हारा ट्वेंटी थ्री जाए उससे बड़ा निकल जाए तब फिर बाकी दो को चेंज करने की सोचोगे ठीक है थ्री प्लस फाइव प्लस एलेवन दट इज नाइनटीन हाँ ये एक सोल्यूशन मिल रहा है ये पॉसिबल हो सकता है फिर वो थ्री प्लस फाइव प्लस थर्टीन दिस इज ट्वेंटी वन अगेन ये तो प्राइम नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता ठीक है अब थ्री और फाइव से कोई भी और कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है ठीक है तो अभी थ्री को फिक्स रखो फाइव को सेवन में कन्वर्ट कर दो थ्री प्लस सेवन टेन आ गया ठीक है थ्री प्लस सेवन टेन आ गया प्लस इलेवन करोगे तो दैट इज ट्वेंटी वन अगेन नहीं होने वाला थ्री प्लस सेवन प्लस थर्टीन करोगे तो ट्वेंटी थ्री तो आ रहा है ट्वेंटी थ्री प्राइम नंबर है बट लेस देन ट्वेंटी थ्री होना चाहिए सम हमारा इक्वल टू नहीं हो सकता तो so ये भी हमारा नहीं होगा ठीक है बिकॉज इक्वल टू है सम लेस देन ट्वेंटी होना चाहिए सम इज लेस देन इक्वल टू होता तब फिर यह भी मैच कर जाता तब नॉट सफिशेंट आंसर आया था ठीक है बट अभी तक तो सफिशियंट लग रहा है एक और कॉम्बिनेशन लेते हैं अगर फाइव और सेवन को लें फाइव प्लस सेवन प्लस एलेवन अगेन हमारा मिल जा रहा है यहाँ से ट्वेंटी थ्री तो ट्वेंटी थ्री होना नहीं है उससे कम होना है तो ये भी पॉसिबल नहीं यानी कि एक ही यूनिक वैल्यू मिल रहा है तो पहला स्टेटमेंट तो सफिशियंट है लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है सेकंड भी सफिशेंट हो सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है वन ऑफ द नंबर इज फाइव कह रहा है वन ऑफ द नंबर्स फाइव सिर्फ एक नंबर के बारे में कह रहा है कि एक नंबर फाइव होगा अगर एक नंबर फाइव है थ्री तो प्लस फाइव प्लस इलेवन से नाइनटीन बन रहा है ये तो अकेला सॉल्यूशन है और भी हजारों सॉल्यूशन हो सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल थ्री प्लस फाइव प्लस ट्वेंटी थ्री कर लिया हमने ट्वेंटी थ्री प्लस एट थर्टी वन ये भी सोल्यूशनफाइफा कर रहा है यानी कि दो से एक से ज़्यादा आ गया यानी कि नॉट सफिशिएंट है और वैसे भी दिख रहा था कि सेकंड से तो इन्फाइनेटली मैंने सॉल्यूशंस मिलेंगे नॉट सफिशिएंट है यानी कि पहले स्टेटमेंट से सॉल्व कर सकते हो सेकंड से सॉल्व नहीं कर पाओगे तो ऑप्शन ए आंसर होगा कैन बी सॉल्व यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट अलोन ऑप्शन ए विल बी द आंसर क्लियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट अच्छा सेम ही है क्वेश्चन है इज एक्सप्ल वाई इंटीजर क्या एक्सप्ल वाई एक इंटीजर होगा ठीक है स्टेटमेंट वन कह रहा है टू एक्सप्ल वाई एक इंटीजर है अब अगर टू एक्सप्रस वाई एक इंटीजर है तो क्या इससे कह सकते हैं एक्सप्ल वाई एक बी एक इंटीजर होगा टू एक्सप्ल वाई इंटीजर है ये तो गिवन है ये तो इंटीजर है अब टू एक्सप्ल वाई में अगर तुम एक्स सब ट्रैक कर दे तो आ जाता है एक्सप्ल वाई अगर एक्सप्ल वाई को इंटीजर होना है टू एक्सप्ल वाई तो देखो एक इंटीजर है इंटीजर में इंटीजर घटाओगे तभी तो इंटीजर आएगा तो अगर एक्सप्लस वाई को एक इंटीजर होना है तो एक्स को भी इंटीजर होना पड़ेगा पर क्या एक्स का इंटीजर होना जरूरी है नहीं कह सकते ना टू एक्स प्लस इंटीजर है तो इसका मतलब थोड़ी एक्स इंटीजर होगा एक्स इंटीजर ना भी हो तब भी टू एक्स प्लस इंटीजर हो सकता है ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर एक्स इक्ल टू पॉइंट फाइव हो और वाई इज टू वन हो ठीक है तो हमारा तब भी टू एक्स प्लस फाइव आ जाएगा वो आ जाएगा पॉसिबल इंटीजर होना है जबकि एक्स इंटीजर नहीं है एक्स प्लस टू वाई हाथ तो वही है बस एक्स को वाई से चेंज कर दिया है कि इस बार वाई सप्लाई करोगे तब एक्स प्लस वाई आएगा सेम एग्जाम्पल लो बस उल्टा कर दो वन पॉइंट फाइव ठीक एग्जाम्पल सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए कि तुम्हारा अगर तुम्हारा एक्स और वाई में से एक नॉन इंटीजर है या फिर दोनों भी नॉन इंटीजर होंगे तब भी तुम्हारा टोटल जो सम है वो इंटीजर आ सकता है ठीक है यानी कि टू एक्सप्ल वाई के बेसिस में बात कर रहे हैं क्या बात कर रहे हैं कि ये स्टेट में नॉट सफिशियंट था सेकंड वाला भी नॉट सफिशियंट है क्या दोनों को मिला के सॉल्व कर सकते हैं अगर दोनों को मिला लिया तो पहला कह रहा है टू एस प्लस वाई इंटीजर है दूसरा कह रहा है एक्सप्ल टू वाई इंटीजर है अगर ये दोनों इंटीजर है दोनों को एड कर दो तो आ जाएगा थ्री एक्स प्लस थ्री वाई यानी कि दिस इज थ्री इंटू एक्स प्लस वाई तो ये तो पता है थ्री इंटू एक्स प्लस वाई एक इंटीजर आ जाएगा दिस विल बी एन इंटीजर बट गलती नहीं कर देना कि अगर इतना पता चल गया तो इसका मतलब है कि एक्स प्लस वाई भी इंटीजर होगा ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है एक्सप्ल वाई इंटीजर डिवाइडेड बाई थ्री हो ऐसा हो सकता है एक्सप्ल वाई इंटीजर डिवाइडेड बाई थ्री हो अब भी ये चीजें मैच कर जाएंगी फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक्स इज टू वन बाई थ्री और वाई इजको टू वन बाई थ्री ठीक है तो टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा टू एक्स प्लस वाई आ जाएगा वन और एक्स प्लस टू वाई भी आ जाएगा वन बट एक्स प्लस वाई टू बाई थ्री आएगा तो इंटीजर नहीं हुआ ना यानी कि डेफिनेटली दोनों को मिलाने के बाद भी नॉट है ऑप्शन डी आंसर आएगा अभी भी नहीं है, अगर नहीं है।, अगर हो रहा है तो प्रॉब्लम है ठीक है जैसे यहाँ पर आती है तो दैट इज हाउ दिस क्वेश्चन एक अच्छा सवाल था इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने गलती किया होगा क्योंकि ऑप्शन सी मार्क कर दिया होगा बट सी आंसर नहीं होगा इसका गुड क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाई टू स्टेटमेंट एंड टू क्वेश्चंस एंड स्टेटमेंट्स क्वेश्चन और स्टेटमेंट को जर करो सही चीज है अ पर्सन बाई थ्री आर्टिकल्स पी क्यू एंड आर तीन आर्टिकल बाय करता है पी क्यू आर और तीनों का सम कितना आ रहा है रुपीज़ फिफ्टी फिफ्टी सम आ रहा है जबकि मैं गिवन है प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज रुपी क्या है क्यू का प्राइस है प्राइस ऑफ क्यू इज अगर क्यू का प्राइस है और ये लीस्ट वैल्यू है तो पी क्यू आर ये तो है 50. और क्यू खुद 16 है, है ये बात तो समझ में आती है ओके okay. पहला सेट अब क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द प्राइस ऑफ द आर्टिकल पी आर्टिकल पी का प्राइस क्या होगा वन कह रहा है कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन दैट ऑफ आर पी का कॉस्ट लेस देन इक्वल टू आर है यानी कि या तो छोटा होगा आर से या बराबर भी हो सकता है क्या इससे हमें पी का प्राइस यूनिकली पता चल, चल सकता है हाँ हमें यह भी पता है कि क्यू का प्राइस लिस्ट है यानी कि जो पी का प्राइस वो क्यू से बड़ा होगा पी का प्राइस क्यू से तो बड़ा होगा ये बात तो पक्की यानी सिक्सटीन से बड़ा होगा लेकिन क्वेश्चन ये तो नहीं कह रहा है कि इंटीजर होगा अगर क्वेश्चन ये कहता है कि पी क्यू आर इंटीजर होने हैं अगर क्वेश्चन ये कहता है पी क्यू आर इंटीजर होने हैं

क्यू सबसे छोटा वैल्यू है ओके, आ रहा है, है। है यानी कि ये इससे आंसर नहीं कर पाएंगे। हो 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 सकते हैं। सकता है, और R हो जाए तब भी समर्टी फोर आएगा ठीक है? तब भी, सम 34 आएगा. तब भी सम 34 आएगा। क्या बात clear है? ठीक से, है P, सेम लॉजिक सेकंड है आर इज नॉट मोर देन दैट ऑफ पी आर इक्वल टू पी एग्जांपल दे सकते हैं और पी हो सकता है सेवनटीन पॉइंट फाइव जीरो नॉट सफिशिएंट होगा सेम लॉजिक से और जैसे ही तुम दोनों को मिला दोगे दोनों को मिला दोगे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ पी इज नॉट मोर देन दैट ऑफ आर पी की कॉस्ट आर से ज्यादा नहीं है दूसरा कह रहा है आर की कॉस्ट पी से ज्यादा नहीं ना पी से आर से ज्यादा है ना आदा है यानी मतलब क्या वो दोनों बराबर है पी इज इक्वल टू आर अगर दोनों बराबर हैं दोनों मिला के थर्टी फोर है यानी कि दोनों सेवेंटी सेवेंटी रुपीज़ के होंगे यहाँ पे हमें एक्जैक्टली यूनिक वैल्यू मिल गया यानी कि दोनों को मिला के सफिशिएंट है आंसर करना ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा फिर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाई टू स्टेटमेंट वन एंड टू पी क्यू आर एन एस इन अ टेस्ट पी क्यू आर एस एक टेस्ट में अपियर किए क्वेश्चन पूछा है हैज पी स्कोर्ड मोर मार्क्स देन क्यू अब हमें इसका आंसर करना है आंसर यस होगा तो भी सफिशियंट है आंसर नो होगा तो भी सफिशियंट है ठीक है बस आंसर क्या होगा ये हमें पता हो जाए ठीक है आंसर क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आंसर यस होगा तो भी सफिशियंट है नो होगा तो भी सफिशियंट है ठीक है बस दोनों में से कोई एक होना चाहिए यस और नो नहीं होना चाहिए ठीक है कोई एक यूनिक आंसर होना चाहिए आंसर जब तक यूनिक है तब तक मामला ठीक है स्टेटमेंट वन कह रहा है सम ऑफ मार्क्स मार्क्सोड बाई पी एंड क्यू इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स समर्ड बाई आर एन एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर एन एस जब भी कभी ऐसे स्टेटमेंट दिए जहां पर हमें एक्जैक्टली exactly कोई वैल्यूज गिवन नहीं है तुम कुछ वैल्यूज अपनी तरफ से मान सकते हो और वैल्यू किस हिसाब से माननी है वैल्यू तुम अपोजिट केसेस की मानोगे यानी कि कॉन्ट्रास्टिंग केसेस की मानोगे पहले लो कि यस yes मान लिया हमने कि पी का स्कोर क्यू से बड़ा है ठीक है मान लो हमने पी को मान लिया ट्वेल्व क्यू को मान लिया टेन तो पी प्लस क्यू आ गया ट्वेंटी टू ठीक है अब आर ऑ एस को कोई वैल्यू ले लो डर लेस, से आर को एस ले लिया एस को टू ले लिया कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई भी वैल्यू हम मान सकते हैं कुछ भी वैल्यू मान सकते हैं अब यहां पे डेफिनेटली हमारा क्या आ रहा है पी आ रहा है क्यू से अब इसका उल्टा ले लो टेन और ट्वेल्व ले लो कोई प्रॉब्लम है क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है यानी कि पी आ गया छोटा से आ गया क्यू से यानी कि क्या हम डेफिनेटली फर्स्ट स्टेटमेंट से बता सकते हैं नहीं बता सकते नॉट सफिशिएंट हो गया क्लियरली सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय पी एंड एस इज मोर देन मोर देन मार्क्स स्कोर्ड बाय क्यू एंड आर ठीक है भाई द सेम लॉजिक अगर हम पी और क्यों दोनों को बराबर ले लें दोनों को बराबर ले लें मान लो हमने दोनों को टेन ले लिया अब एस को इलेवन ले लो और आर को भी टेन ले लो तो टेन प्लस इज ग्रेटर बट पी और क्यू तो इक्वल है ठीक है अब एक केस में तुम बड़ा कर दो अगर तुमने पी को इलेवन भी कर दिया इलेवन प्लस इलेवन ग्रेटर टेन परसेंट अभी भी तो हो रहा है बट अब पी तुम्हारा क्यों से बड़ा हो गया यानी कि अगेन क्या इससे अकेले बता सकते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते तो सेकंड इज आल्सो नॉट सफिशिएंट अभी भी सफिशिएंट नहीं है अब दोनों को मिला दो दोनों स्टेटमेंट को मिला दो ठीक है दोनों स्टेटमेंट को मिला दो कि पहला भी ट्रू है और सेकंड भी ट्रू है ठीक है यानी कि पी प्लस क्यू इज इक्ल टू आर प्लस एस क्या उससे हमें एक्जैक्टली यूनिकली पता चल जाएगा देखो अगर पी प्लस क्यू इज इक्वल आर प्लस एस ले रहे हो तो हमें जैसे एक वैल्यू यहां पे मिल रहा है कि इलेवन ये जैसे केस देखो इस वाले कॉन्टेक्स में देखो ठीक है तो इसमें ऑलरेडी हमने पी प्लस क्यू जो लिया है पी है इलेवन क्यू है टेन इलेवन प्लस टेन एंड दैट इज इक्वल टू और आर भी मिला के एलेवन प्लस टेन हो रहा है यानी कि इक्वल हो रहा है एक केस में हमें पीस ग्रेडर क्यू मिल गया अब एक एग्जाम्पल ऐसा ले लो जहाँ पे कि पी और क्यों दोनों इक्वल हो दोनों इक्वल हो ठीक है डेड एस से हमने लिया दोनों को इलेवन और एलेवन ले लिया अब आर प्लस एस को ट्वेंटी टू लेना है पी को एलेवन रख लो और क्यू को भी इलेवन रख लो लेकिन पी प्लस एस को बड़ा करना है तो बस एस को थोड़ा बड़ा रख लो एस को ट्वेल्व रख दो आर को टेन रख दो एक्साम्पल सिर्फ समझाने के ले रहा हूँ कि अभी भी हमारा पी प्लस बड़ा है बट पी और क्यू इक्वल है यानी कि दोनों मिलाने के बाद भी सफिशियंट नहीं है ऑप्शन डी आंसर होगा कि निधर स्टेटमेंट अलोन भी सफिशियंट नहीं है और साथ में के बाद भी सफिशियंट नहीं होगा क्या बात करें ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर ठीक है क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन एज ऑफ एज ऑफ ईच ऑफ P and Q is less than 100 ड्रेड इट मोर देस P और Q दोनों की जो वैल्यूज है एज की वैल्यूज है 10 से 100 के बीच में टू जे नंबर है. है. है ठीक है टेन से बड़ा है बस इफ यूजर पी का एज अगर ए बी है तो क्यू की एज हो जाएगी बी ए और ए बी का मतलब क्या वो टेन ए प्लस बी

क्या पता चलेगा इससे भाई हमें ये पता है प्योर क्यू में डिजिट्स इंटरचेंज हो रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर पी बढ़ा है क्यों से नंबर ले पी थर्टी है क्यू थर्टीन है डिफरेंस आ जाएगा एटीन का लेकिन अगर पी को ले लिया थर्टी टू ले लिया ट्वेंटी नाइन का यानी कि नॉट सफिशेंट पता थोड़ी चल पाएगा इससे ठीक है सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है सम ऑफ देयर एजेस इज बाई देयर डिफरेंस और सम क्या आएगा दोनों की एजेस का सम आएगा टेन ए प्लस बी प्लस टेन बी प्लस है दिस इज इक्ल टू इलेवन बाई सिक्स टाइम्स डिफरेंस विच इज नाइन टाइम्स एम आई एस बी ठीक है इलेवन से गर, कट गया एलेवन सिक्स बाई नाइन बाई सिक्स है तो ऊपर आएगा थ्री नीचे आएगा टू तो ए प्लस बी अपॉन एम आई एस बी आ गया थ्री बाई टू कंपाउंडर डिविडन लगा दोगे तो ए बाई बी यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस एम आई एस बी टू ए बाई टू भी यानी ए बाई बी आ जाएगा थ्री प्लस टू फाइव बाई वन तो ए बाई बी आ गया फाइव बाई वन यानी कि यहाँ से हमारा पी आ सकता है ए बी विच इज फिफ्टी वन और क्यू आ जाएगा फिफ्टीन ठीक है अगर तुम मान लो पी को और क्यों को इंटरचेंज कर देते यानी कि अगर तुम इस केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि पी ग्रेटर देन क्यों ठीक है पी बड़ा है क्यों से एज्यूम कर रहे हैं ठीक है तो हम इसका उल्टा ले लें ठीक है उल्टा केस लोगे के तो भी क्या होगा डिफरेंस अल्टीमेटली उस केस में पी फिफ्टी नहीं आयाता क्यू फिफ्टी वन आ जाता जा अगर उल्टा लेते तो उल्टा आ जाता मामला बट डिफरेंस दोनों केस में थर्टी सिक्स ही आएगा ठीक है हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जब हम डिफरेंस ले रहे हैं नाइन टाइम्स है तो हमारी यह दमशन है ना कि हमारा पी क्यू से तभी तो नाइन टाइम डिफरेंस आएगा पी माइनस क्यू है क्यू माइनस पी कर दो ठीक है तो आ जाएगा टाइम्स बट उससे कुछ नहीं आएगा उससे सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि हमारा बी बाई ए जाएगा फाइव बाई वन सॉव करके देख सकते हो बी बाई ए फाइव बाई वन हमारा रिजल्ट है पी और क्यू का वैल्यूज जनटे चेंज जाएगा बट जो डिफरेंस है वो तो चेंज होगा डिफरेंस तभी तो थर्टी सिक्स ही आएगा यानी डिफरेंस हमारा थर्टी सिक्स ही आना है चाहे कोई भी ऑर्डर ले हम चाहे पी को क्यू से बड़ा बढ़ावा या क्यू को पी से बड़ा सेकंड स्टेटमेंट अकेला हमें बता रहे हैं सफिशेंटली थर्टी सिक्स डिफरेंस आएगा ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि पी के एज क्यू से बढ़िया है क्यूकी एज पी से बढ़ी है दोनों ही केसेस में आंसर इज थर्टी सिक्स ऑनली अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट उन्होंने सफिशिएंट सफिशेंट फंसना नहीं है यहां पे ठीक है कि जब पी क्यू से बड़ा लिया था तो थर्टी सिक्स आया था जब छोटा लिया था तभी थर्टी सिक्स आया ठीक है बराबर होना पॉसिबल ही नहीं क्योंकि बराबर होने डिफरेंस जीरो हो जाएगा और बराबर हो भी नहीं सकता ठीक है बराबर होना पॉसिबल ही नहीं बराबर होने डिफरेंस जीरो हो जाएगा क्या बात समझ पा रहा हूँ ये भी इक्वल हो जाएंगे तो डिफरेंस जीरो हो जाएगा डिफरेंस जीरो थोड़ी है भाई सम भी जीरो आ जाएगा ऑप्शन ये आंसर है ठीक है बिकॉज सेकंड स्टेटमेंट अलोन इज सफिश सेकंड सफिशेंट है अच्छा सवाल है ये भी? ये भी, भी है, पसाने वाला है, है। वाला थोड़ा सा, ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाई फोर स्टेटमेंट लेबल्ड पी क्यू आर एन एस द दर्ड पेयर ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड द टू स्टेटमेंट आर लॉजिकली करता है इंप्लाई करता है सेकंड को ऐसा ऑर्डर पेयर हमें सेलेक्ट करना है ठीक है और जबकि हमारे टू स्टेटमेंट्स हैं वो लॉजिकली कंसिस्टेंट है मेन स्टेटमेंट के साथ में ठीक है स्टेटमेंट नंबर वन जो भी होगा दैट शुड इंप्लाई सेकेंड स्टेटमेंट उसका मतलब होना चाहिए स्टेटमेंट नंबर वन को हम पढ़े तो उसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड उसको फॉलो करें इंप्लाई करें इंप्लाइड हो ठीक है और लॉजिकली कंसिस्टेंट हो मेन स्टेटमेंट के साथ मेन स्टेटमेंट क्या करें प्रदीप बिकम्स इधर अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर ठीक है प्रदीप हमारा या तो ही इज अ डायरेक्टर और ही इज अ प्रोड्यूसर दिस इंप्लाइज कि इफ प्रदीप इज डायरेक्टर ठीक है देन ऑब्वियसली इज नॉट प्रोड्यूसर ठीक है इफ प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर तो फिर प्रोड्यूसर होगा ठीक है इफ प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर तो फिर डायरेक्टर होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ क्लियर है तो अब स्टेटमेंट्स देखते हैं स्टेटमेंट हमें ऑप्शन में क्या दिया एसपी और आर क्यू दिया हुआ है एस पी यानी एस फॉलोड बाई पी एस कह रहा है प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर तो इफ प्रदीप इज नॉट अ प्रोड्यूसर दिस इंप्लाइज दैट ही मस्ट बी अ डायरेक्टर एस इसको एस को फॉलो कर रहा है कौन सा स्टेटमेंट एस का बाद का स्टेटमेंट कौन सा है नेक्स्ट स्टेटमेंट होगा पी एस एंड पी आर राइट ठीक है दे आर अडर्ड पेयर एस ऑर पी ऑर्डर्ड पेयर हमारा बन गया आर को देखते हैं R कह रहा है, प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर सो इफ प्रदीप इज नॉट अ डायरेक्टर दैट एम्प्लाईज प्रदीप मस्ट बी प्रोड्यूसर ठीक है प्रोड्यूसर होगा तो so आर को कौन सा स्टेटमेंट फॉलो करता है आर किस स्टमेंट कोई करता है क्यू को एम्प्लाई करता है तो आर एंड क्यू इज एनदर ऑर्डर्ड पेयर एस पी भी ऑर्डर पेयर और आर क्यू भी ऑर्डर पेयर है दोनों ही ऑर्डर पेयर ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा ओके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए प्लस बीन ए माइनस बी ए माइन बी मीन ए इंट बी ए टू बी मी डिवाइड बाई ए डिवाइड बी मीस ए प्लस बी वट द वैल्यू ऑफ टेन प्लस थर्टी माइनस हंड्रेड इंटू फिफ्टी डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव और सारे सारे ऑप्शन हम समेट ऐसे इंप्लाइ कर रहे हैं चलो रिप्लेस करते हैं प्लस थर्टी प्लस को माइनस कर दोगे माइनस थर्टी हो जाएगा थर्टी माइनस हंड्रेड माइनस को मट्टीप्लाई करो थर्टी इंटू हंड्रेड हो जाएगा डिवाइड को चेंज कर दोगे प्लस से तो हंड्रेड प्लस ट्वेंटी फाइव हो जाएगा एक सेकेंड एक सेकेंड डिवाइड बाद में आया मल्टीप्लाई फिफ्टी था ना मल्टीप्लाई को किससे चेंज करना है हमें डिवाइड से तो डिवाइड फिफ्टी और फिफ्टी के बाद डिवाइड को चेंज करेंगे प्लस से फिफ्टी प्लस ट्वेंटी फाइव ओके सो दिस विल बी टेन है माइनस में क्या आ रहा है थर्टी इंटू हंड्रेड बाई फिफ्टी ठीक है थर्टी इंटू टू सिक्सटी टेन माइनस सिक्सटी प्लस ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव माइनस सिक्सटी माइनस ट्वेंटी फाइव ऑप्शन डी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा ियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स इफ पी मींस ग्रेटर देन पी का मतलब है ग्रेटर देन ओके टू मींस लेस देन ओके आर मीन्स नॉट ग्रेटर देन आर का मतलब है नॉट ग्रेटर देन और नॉट ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ बड़ा नहीं होगा बड़ा नहीं होगा तो बराबर हो सकता है छोटा हो सकता है यानी कि लेस देन और इक्वल टू आर का मतलब हुआ लेस देन और इक्वल टू सिमिलरली एस मीन्स नॉट लेस देन तो अगर छोटा नहीं है यानी कि बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है

तो अगर मल्टीप्लाई भी टू कर दें तो एट विल बी इक्वल टू सिक्स एक्स ठीक है एट जेड इक्वल सिक्स एक्स आएगा यहाँ पे टू एक्स है इसको भी सिक्स एक्स करो थ्री से मल्टीप्लाई करोगे सिक्स एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू दोनों को थ्री से मल्टीप्लाई करोगे ना पूरा मल्टीप्लाई भी थ्री कर दोगे तो सिक्स एक्स आ गया अब सिक्स एक्स से ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू एट है बेसिकली आ गया एट जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन ठीक है यानी कि ओके यानी कि एट इज ग्रेटर देन इक्वल टू नाइन नाइन वाई इज लेस देवल टू एट जेड जबकि हमें जो कंक्लूजन चाहिए तो चाहिए उसका ठीक ऑपोजिट आ रहा है और अगर ये राइट right कंक्लूजन है तो ये तो गलत हो गया पहला सेट में इनकरेक्ट है फर्स्ट सेट में इनकरेक्ट है सेकंड सेट में देखते हैं एक्स क्यू टू वाई क्यों एंड आर क्या है ठीक तो है और कंक्लूजन आ चाहिए दैट एक्स आर जेड आर यानी कि लेस इक्वल टू जेड ओके अगर वाई लेस इक्वल तो टू है और एक्स लेस टू वाई है तो क्या कह सकते हैं हमने यहां पे ठीक है और एस इज लेस टू वाई। लेस, टू वाई लेस टू जेड इज लेस टू टू जेड आ गया तो क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं सॉस लेसन टू जेड आ आएगा ठीक है तो एक्स अगर लेस देन टू जेड है तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं एक्स टू जेड से छोटा है तो इसका क्या ये मतलब हो किस से भी छोटा या बराबर होगा थिंक अबाउट इट अगर एक्स टू जेड से छोटा है तो क्या एक्स छोटा या बराबर हो सकता है हो तो सकता है बट क्या हमेशा होगा विल इट ऑलवेज भी ट्रू क्या हमेशा होगा ऐसा कंक्लूड तो नहीं कर सकते ना ऐसा हो सकता है कि एक्स हमारा जेड से बड़ा वैल्यू आ जाए फॉर एग्जाम्पल अगर हम जेड जिकोल टू फोर ले लें ठीक है और एक्सिकोल टू थ्री ले लें तो थ्री इज लेस देन फोर एक सेकेंड जेड को टू ले लो जेड को टू ले लो ठीक है तो ग्रेटर टू यानी एक्स बड़ा है टू से एक्स बड़ा है टू से ठीक है बट एक्स छोटा है टू जेड से प्लीज लेस देन फोर ठीक है बट जेड से तो बड़ा है ना यानि कि समझ पा रहे हो कि चीजें कॉन्टेक्ट कर रही है जबकि ट्रू होगा बट हमेशा नहीं होगा और हमेशा होगा तभी कंक्लूजन अदरवाइज कंफ्लूजन थोड़ी है सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है दोनों इनकरेट ऑप्शन डी आंसर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ इन सर्टन कोड एबीसीडीज ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर क्या हुआ ए बी सी डी की प्लेस वैल्यू क्या होती है वन टू थ्री फोर वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर दट इज ट्वेंटी फोर कि प्लेस वैल्यूज को कर दिया है ई एफ जी एच आर आई इक्वल टू वन सिक्स एट जीरो कोड आ रहा है इसका और प्लेस वैल्यू आएगी फाइव सिक्स एट डेफिनेटली प्लेस वैल्यूज का मल्टीप्लिकेशन है आई जे के एल के लिए पूछा है तो यानी कि आ जाएगा नाइन इंटू टेन इंटू एलेवन इंटू ट्वेल्व दिस इज नाइनटी इंटू वन थर्टी टू ठीक है यूनिट डिजिट में क्या आएगा जीरो के बाद जीरो तो लास्ट में आएगा आएगा नाइन इंटू एटी नाइन लास्ट में एट आएगा जीरो के बाद एटी आएगा लास्ट में ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा ओके ठीक है सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं इतने पे सॉल्व हो रहा है खत्म हो रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट वन इफ इन अ सर्टेन कोड पॉट इज रिटन एज अटॉप पॉट को लिख रहे हैं हम अटॉप यानी कि ए के बाद में पीओटी उल्टा कर दे रहे हैं सिमिलरली ट्रैप को लिख रहे हैं ए के बाद में उल्टा कर दे रहे हैं टी आर

और जो इंक्रीज़ है वो कोई मल्टीपिकेटिव तो नहीं लग रहा है यानी कि थ्री में कुछ मिल रहा है क्योंकि फोटीन नहीं आएगा फोटीन से थर्टी नाइन थर्टी नाइन से एटी फोर ठीक है तो चलो अपन डिफरेंस देखते हैं डिफरेंस देखते हैं डिफरेंस आएगा थ्री और फोर थ्री में इलेवन ऐड करोगे फोर्टीन आएगा फोर्टीन में ऐड करोगे कितना ट्वेंटी फाइव तो थर्टी नाइन आएगा थर्टी नाइन में ऐड करोगे फोर्टी फाइव एटी फोर आएगा अब आगे क्या करोगे एक स्टेप में तो काम चल नहीं रहा ठीक है एक स्टेप में तो काम अपना खत्म नहीं होगा ओके तो यानी कि इससे ज़्यादा हमें करना पड़ेगा ओके okay, तो इससे बड़ा करना पड़ेगा अब इसके बाद में क्या आएगा चलो पहले डिफरेंस देख लेते हैं एलेवन ट्वेंटी फाइव पहले एलेवन एड करे ट्वेंटी फाइव एड करें डिफरेंस कितना आ रहा है फोर्टीन का डिफरेंस आ रहा है फिर ट्वेंटी फाइव के बाद में फोर्टी फाइव एड कर रहे हैं डिफ्रेस आ रहा है ट्वेंटी का यानी डिफ्रेंस में कितना डिफरेंस आ रहा है सिक्स का डिफरेंस आ रहा है पहले फोर्टीन ऐड करो फिर ट्वेंटी एड करो यानी छह ज्यादा एड हो तो नेक्स्ट टाइम अगर हम ट्वेंटी सिक्स एड करें जरूरी नहीं है सही हो पर एक बार इसको करके ट्राई करके देखते हैं कि सही है गलत है ट्राई करने से भी पता चलेगा ठीक है ट्वेंटी सिक्स एड करें फोर्टी फाइव प्लस ट्वेंटी सिक्स आया सेवेंटी वन अगर सेवेंटी वन एड करते हैं एटी फोर में एटी फोर प्लस 71 वन आ जाएगा हमारा कितना एटी प्लस 71 तो वन एफ्टी वन फिफ्टी फाइव वन फिफ्टी में कितना ऐड करोगे वन जीरो थ्री क्या पैटर्न सही बन रहा है सेवेंटी वन एड किया वन जीरो थ्री एड किया यानी कि नेक्स्ट में थर्टी टू एड करो सेवेंटी वन प्लस थर्टी टू वन जीरो थ्री आ रहा है ट्वेंटी सिक्स में जब सिक्स एड करो तब थर्टी टू आएगा डेफिनेटली मैच कर रहा है करेक्ट है वन फाइव आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा क्या बात क्लियर है ठीक है तो एक तरीका होगा इस क्वेश्चन को देखने का ऐसे क्वेश्चन को देखना है और जहाँ कि हमारा एक बार पे सीरीज बना के काम नहीं चल रहा है एक और बार देखना पड़ रहा है तो एक से ज़्यादा बार देखना पड़ रहा है तो पॉसिबल है स्क्वायर या क्यूब का कोई सीरीज बन रहा है यहां हो यहाँ पे कही कहीं ना कहीं स्क्वायर और क्यूब से कनेक्टेड हो ठीक है कहीं ना कहीं ये स्क्वायर या क्यूब से कनेक्टेड हो ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो वहाँ पे इसको पैटर्न को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ये तो एक तरीका होगा बट जरूरी नहीं है सबको एक क्लिक करे ठीक है तो दूसरा तरीका भी देख लेते हैं थ्री फोर्टीन थर्टी नाइन एटी फोर टू फिफ्टी एट ठीक है थ्री हमारा क्या है वन क्यूब मैं अगर टू ऐड कर तो थ्री आ जाएगा

प्लस थर्टी प्लस ट्वेल्व सिक्स टू प्लस फोर्टी टू यानी कि टू हंड्रेडीन प्लस फोर्टी टू दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू एब्सोल्युटली करेक्ट है फाइव आंसर है क्या ये पैटर्न समझ पा रहे हो ठीक है ये पैटर्न समझ पा रहे हो एक और पैटर्न दिखा देता हूं यहाँ पे ठीक है उससे भी क्लियर हो जाएगा कि पहला नंबर हमारा क्या है पहला फर्स्ट नंबर है थ्री इंटू वन ऐसे भी लिख सकते हैं थ्री इंटू वन यानी कि इक्वल टू थ्री है नेक्स्ट नंबर कैन बी देना है सेवन इंटू टू फोर्टीन उसका अगर थर्टी इंटू थ्री थर्टी नाइन नेक्स्ट नंबर हो सकता है ट्वेंटी वन इन इंटू फो एटी फोर टू वन टू थ्री फोर आ रहा है नेक्स्ट तो फाइव आएगा यहाँ पे ये तो क्लियर है और नेक्स्ट फाइव आ रहा है यानी कि फाइव का मल्टीपल आएगा तो वन सेवेंटी सिक्स तो आंसर नहीं होगा बट उतने से काम चलेगा नहीं थ्री के बाद सेवन आ, आ रहा है यानी कि फोर ऐड हो रहा है सेवन के बाद थर्टीन आ रहा है सिक्स ऐड हो रहा है थर्टीन के बाद ट्वेंटी वन यानी कि एट ऐड हो रहा है फिर टेन ऐड करोगे थर्टी वन आएगा थर्टी इन टू फाइव इज वन फिफ्टी फाइव और फिर ट्वेल्व ऐड करोगे तो आ जाएगा फोर्टी थ्री इंटू सिक्स इज टू फिफ्टी एट दिस इज अनदर वे टू सी द सेम थिंग ऑप्शन बी विद आंसर इन दिस केस नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इन सम कोड लेट अस पी क्यू आर एस एन टी रिप्रेजेंट नंबर्स फोर फाइव टेन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन तो पी क्यू आर एस ओ टी रिप्रेजेंट करते हैं फोर फाइव टेन और फिफ्टीन को बट एक एग्जैक्ट ऑर्डर नहीं है ये ऑर्डर इनका कुछ भी और हो सकता है इट इज नॉट नोन विच लेटर रिप्रेजेंट विच नंबर ऑर्डर हमें पता नहीं है ठीक है क्या ना क्यू माइनस एस इज इक्वल टू टू एस अगर क्यू माइनस एस इक्वल टू एस है क्यू इज इकोल टू थ्री एस ए क्यूँ एस का थ्री टाइम्स होगा यह चीज तो गिवन होगी कि क्यू एस का थ्राइस है तो एस को अगर हम फोर लेंगे फोर ले सकते हैं ऐसा अगर फोर है तो क्यू ट्वेल्व आ जाएगा ऐसा अगर फाइव है क्यों फिफ्टीन आ जाएगा और कोई वैल्यू हमारी फोर फाइव टेन ट्वेल्व फिफ्टी ऐसी है नहीं जिसका कि थ्राइस भी हमारे इंक्लूडेड हो इन नंबर्स में यानी तो कि यही दो केसेस बनेंगे या तो हमारा एस फोर हो तो क्यू ट्वेल्व है या फिर एस फाइव हो और क्यू फिफ्टीन है अगर फोर और ट्वेल्व हमने नंबर्स ले लिया तो फिर अवेलेबल नंबर्स हमारे पास क्या बचेंगे फाइव टेन और फिफ्टीन बचे हुए किसके लिए बचेंगे ये पी आर और टी के लिए अगर हमने फिफ्टीन और फाइव ले लिया तो फिर बाद फोर टेनर ट्वेल्व बचेंगे टी इज इक्वल टू आर प्लस एस प्लस थ्री टी हमारा इक्वल टू है आर प्लस एस प्लस थ्री ओके पहले वाले केस में एस है फोर अगर एस फोर है तो फोर प्लस थ्री आ जाएगा सेवन ठीक है यानी टी और आर का डिफरेंस कितना आना चाहिए सेवन आना चाहिए बट यहाँ पर डिफरेंस कितने का है या तो फाइव का है या टेन का है यानी कि इस केस में हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलने वाला सेकेंड केस में क्या है एस की जगह फाइव आएगा फाइव प्लस थ्री आ जाएगा एट तो टी और आर का डिफरेंस कितना आना चाहिए एट का डिफरेंस आना चाहिए एट का डिफरेंस आ रहा है फोर और ट्वेल्व यानी कि टी ट्वेल्व आ जाएगा आर इजक टू फोर आ जाएगा क्या ही बात कह रहे हैं यानी कि एक यूनिक सोल्यूशन हमें मिल रहा है तो यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है तो कैन ड्रेन आंसर नहीं है आंसर क्लियरली मिल जाएगा हमें पी प्लस आर माइनस टी निकालना है ठीक है तो पी क्या बचेगा अगर टी ट्वेल्व है आर है फोर तो पी बच जाएगा टेन पी आ जाएगा इक्वल टू टेन ठीक है पी इजोल टू टेन आर इजक्ल टू फोर टी इजो ट्वेल्व फोर माइनस ट्वेल्स आंसर विल बी इक्वल टू टू ऑप्शन फिर आंसर आ जाएगा क्या ये बात समझ पा रहे हो अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को तो सारे के सारे जो क्वेश्चन थे हमारे क्वांट के एल आर के ड्रेड के सारे के सारे क्वेश्चन को हमने डिटेल में डिस्कस किया कॉम्प्रेनसिवली डिस्कस किया आई बिलीव सारे के सारे सोल्यूशन समझ में आएंगे कहीं पर भी, भी कोई दिक्कत नहीं आए होगा अगर क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में कभी डाउट आता है डाउट आया है तो एक बार कमेंट जरूर मेंशन करना है। सेशन पसंद आया है तो मैं डेफिनेटली आक देख रहा हूँ तो डेफिनेटली सेशन अच्छा लगा होगा तभी देख रहा हूँ ठीक है तो अगर इंगेड हो लास्ट तक समझ आए चीज़ है तो सेशन को जरूर लाइक करना अगर आपने चलना सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना कोई भी क्वेश्चन कोई भी डाउट कोई बेसिक से बेसिक डाउट है तो जरूर कमेंट में पूछ लेना ठीक है और इफ यू नॉट ऑलरेडी जॉइन मी तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो मुझे एट एड आई टी वाई ए के टी साथ में चलो को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया था जरूर से सब्सक्राइब देना साथ में बेल आईकॉन प्रेस कर देना दैट आई के जो सेशन है उनका भी अपडेट तुमको मिल रहा है अच्छा इंग्लिश वाले क्वेश्चन रह गए हैं ठीक है इंग्लिश वाले क्वेश्चन रह गए तो इस सेशन में करने के बजाय उनको एक सेपरेट सेशन बना के डिटेल में डिस्कस करते हैं ठीक है उनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे उसका वीडियो भी म अपलोड कर दूंगा इस सेशन में इतना ही रखते हैं एंड बाय टेक केयर